ये फिल्म मैं समर्पित करता हूं अवई श्री टी के शनमुगन पिल्लई को, जिन्होंने मुझे और मुझ जैसे कई आर्टिस्ट्स को कला के क्षेत्र में जन्म दिया। अरे इस वकील के लिए डिवोर्स केसेस हलवा खाने के जैसा है, हम जरूर जीतेंगे। ऑर्डर 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 योर ऑनर, ओसी नंबर 316 जानकी वर्सेस पांडियन डिवोर्स केस ऑलरेडी पोस्टेड फॉर ट्रायल योर ऑनर। आई ऑर्डर कॉलिंग द कंसर्न पार्टीज। जानकी जानकी जानकी, पांडियन पांडियन पांडियन। योर ऑनर काफी देर हो रही है, अभी तक पार्टी नहीं आई। आई रिक्वेस्ट यू टू पास ओवर दिस केस। जानकी जी, आपके पति मेरा मतलब मिस्टर पांडियन क्यों नहीं आए? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती? पता नहीं किस लड़की के साथ इस वक्त घूम रहे होंगे। शादी कब करने वाले हैं? शादी कोई खाने का चॉकलेट है क्या? लेकिन तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है ना? मजाक मत करो रत्ना। ए पांडी, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम दोनों साथ में तो रह सकते हैं ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम जाओ बोलोगे, मैं जाऊंगी। तुम जाओ। पांडी मजाक मत करो। देखो ना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। जोसेफ, क्या हुआ मास्टर? क्या जोसेफ, अभी तक मेकअप पूरा नहीं हुआ? आपने लाइट पूरी ऑन कर रखी है, उसकी वजह से इनका मेकअप गल जाता है। मैं इनका टचअप कर देता हूँ। लगता है तुम्हारी वजह से मुझे कोई फिल्म नहीं देगा। मास्टर क्या है? मुझे जाना है। अभी पहला अंतरा भी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पहले अंतरे के लिए रुका तो वहाँ कोर्ट मेरा आखिरी अंतरा गा देगा। तुम थोड़ी ना शादी के लिए जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी से अलग हो रहे हो, डिवोर्स हो रहा है। मैं उससे कहाँ अलग होना चाहता हूँ, वो मुझसे अलग होना चाहती है अपने पिताजी की बात सुनकर। लगता है गाय के साथ साथ बछड़ा भी खोदूंगा मास्टर। भैया क्लाइमेक्स का वक्त हो गया है, हमें डिवोर्स जरूर मिल जाएगा। सर इस केस में पहले भी ऐसा 4 बार हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि पांडियन कोर्ट में आएंगे, इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे क्लाइंट को डिवोर्स देकर इस केस को बंद कर दीजिए। योर ऑनर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं थोड़ा लेट हो गया। पापा आप वहां जाइए, बहुत देर से आपका नाम पुकारा जा रहा है। एक्चुअली मेरा लेट होने का कारण ये है। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा कारण है, सुन सुनकर बोर हो चुकी हूँ। हमेशा झूठ बोलता है और अपने आप को डांसर कहता है। जानकी जी, आप तो जानती थी ना कि ये एक डांस असिस्टेंट है। ये असिस्टेंट नहीं है, कलाबाज है। तुम नटराज की पूजा करती हो ना, वो भी कलाबाज है। ठीक है ठीक है, सॉरी। बेटी, इनके बारे में इतना कुछ जानते हुए भी आपने इनसे शादी क्यों की? प्यार, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, मेरी तो आंखें थी फिर भी आखिर तक नहीं खुल पाई। हम नहीं करते हैं। क्यों? इस बार हम नहीं करते हैं। ऐसा कहते हो? हम जो भी चाहते हैं अगर वो हमने किया तो बोर हो जाएंगे। यू तुम्हें तो मैं ठीक कर दूंगी, शादी नहीं करनी है क्या? जरूर करेंगे। लेकिन कब? जब सिटी बजेगी तब। जिस दिन हमें विश्वनाथ अय्यर देखेंगे। तुम पापा की बात कर रहे हो? तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों पूछते हो? पापा हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो? तुम्हारे पापा ना? वो कभी भी राजी नहीं होंगे। फिर पापा की बात क्यों करते हो? तुम्हारी भाषा में कहूँ तो परंपरा, और मेरी भाषा में कहूँ तो तमीज या शिष्टाचार। लेकिन मुझमें जो तमीज थी वो इसके पिताजी में नहीं थी। ऑनर, क्यों? मेरे पिताजी ने एक कमीने, बाहर जाओ। ऐसा कुछ कहा था क्या तुमसे? छी छी, विश्वनाथ अय्यर और ऐसे गलत शब्द, उनकी स्टाइल कुछ अलग थी। अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल इसने किया वही शब्द वो बहुत ही तमीज से कहते थे। ये मेरे परदादा राम सुब्बू अय्यर।
ये मेरे दादाजी ईश्वर अय्यर, ये मेरे पिताजी जगदीश्वर अय्यर और मैं विश्वनाथ अय्यर। यही है हमारी वंशावली। क्यों, सुनने में कोई अजीब लग रहा है क्या? आप हंसते हुए अपना सिर हिलाइए क्योंकि मेरी बेटी उधर कांच से हमको देख रही है। आप तो फिल्म वाले हैं ना, तो जरा एक्टिंग कीजिए ना। आज तक मेरी बेटी ने जो भी मांगा मैंने कभी ना नहीं कहा है, लेकिन अभी वो आपको मांग रही है। मैं ना नहीं कहना चाहता, मैं ना कहने वाला भी नहीं, तो अगर ना आप कह दें तो अच्छा रहेगा। कॉफी नहीं चाहिए। ठीक है। देखो, मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ इन्फैचुएशन है। उसका प्यार ठीक वैसे ही है जैसे कोई गुड़िया से प्यार करना। अब कोई गुड़िया के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? हाँ, तो देखो ये तुम्हारे लिए है और इसमें पूरे 2,00,000 रुपए हैं। तुम समझ रहे हो ना? वैसे तो होने वाले दामाद को दहेज दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कुछ अलग किस्म के हैं। मैं दामाद ना बनू इसलिए मुझे ये पैसे दिए हैं। ये सुर या नासुर तुम खुद फैसला कर लो। सॉरी, तुम उस कमरे में नहीं थी इसलिए मेरी बात नहीं समझोगी। विश्वनाथ अय्यर चाहिए या ये पांडियन, ये तुम खुद फैसला कर लो। पांडियन? ये क्या है? क्यों पांडियन भाई, शादी की रिहर्सल कर रहे हो? hey! ये असली शादी है, 3 गांठ बांध चुका हूँ। ये पत्नी है मेरी। सॉरी, ये वाई वाई पूरी है। नमस्ते जी, शूटिंग के लिए फूल लेके जा रहा था इसलिए आपके ऊपर डाल दिया। अभी मैं चलूं भाभी। छी, इसमें से तो गोंद की बू आ रही है। कागज के फूल है देखो। हाँ, ये सूखेगा नहीं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमारे घर में चमेली का पेड़ है। तो क्या हुआ? तो पिताजी की याद आ गई। ओ, पिताजी की याद आ रही है? चिपक तुम मुझसे रही हो, थोड़ी दूर हो जाओ, लोग गलत समझेंगे। काजल फैल गया क्या? नहीं। ठीक है ठीक है, भगवान से प्रार्थना करके मन्नत मांगो। क्या मन्नत मांगू? यही कि हम दोनों का साथ जिंदगी भर बना रहे। उनसे क्या मांगना, हमें तो साथ ही रहना है। अच्छा बाबा, भगवान की तरफ देखो। तुम अचानक नास्तिक क्यों बन गई? मैं सच कह रही हूँ, भगवान चले गए। क्या मतलब? आए। देखो भगवान उधर जा रहे हैं। अरे सुब्राज, कहाँ जा रहे हो? कहीं और सेट लगाना है गणपति पूजा का। 7वें नंबर फ्लोर पे शूटिंग चालू है, वहीं पे जा रहे हैं हम। एक नई हीरोइन आई है, मेरी दीक्षित विकसित उसका कुछ नाम है। अरे वो माधुरी दीक्षित है, कुछ भी नाम बोल रहा है। क्या हुआ? ये कौन सा मंदिर है? अरे ये एबीएम मंदिर है। अच्छा मंदिर है, बड़े बड़े कलाकार यहाँ आते हैं। हर कलाकार का सपना होता है यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करे। नकली मंदिर, कागज के फूल, इसी तरह मेरी शादी में भी कुछ असली नहीं था, सब कुछ झूठ था। हमने जो जिंदगी जी, हमारी जो बेटी पैदा हुई, वो झूठ है क्या? ये सब बिल्कुल झूठ है। दिस मैरिज इज फॉल्स। इस डांसर से शादी करके। हेलो, अगर मैं एक डांसर हूँ तो तुम बात करने वाले बातों नहीं हो। देखा आपने? देखा इसे सर, ये आदमी हमेशा भावुक हो जाता है और छोटी छोटी बातों के लिए मेरे क्लाइंट को ये हमेशा परेशान करता है। इतना ही नहीं सर, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है। मैंने कौन सी क्रूरता की? क्या मतलब? मैं तो कहता हूँ खून की नदियाँ बही थी योर ऑनर। खून की नदियाँ बही थी? किसने कहा आपको? घर वालों ने। इसका घर वाला तो मैं हूँ। वकील साहब ठीक से बात करिए ना। वो आपके मकान मालिक ने। पांडियन, भाड़ा किधर है? ओ, पोजीशन थोड़ा टाइट चल रहा है। हाँ, मैं जब भाड़ा मांगता हूँ तो पोजीशन टाइट हो जाती है। और बीवी के लिए कलर टीवी लेके आया हो? कलर टीवी? अभी अभी नई टीवी अंदर गई है। संभल कर टेबल पर रख दीजिए। पापा, सेंटर में रखिए, साइड में रखेंगे तो गिर जाएगा ना। नया टीवी? जानी। हाँ, धीरे से धीरे से। हाँ, इधर आओ ना। हाँ, संभल कर, 20,000 रुपए का है। क्या हुआ? ए बताओ, हमें भी टीवी की जरूरत है क्या? हमें नहीं है, लेकिन बच्ची को तो है। टीवी देखेगी तो बच्ची पढ़ाई में ध्यान नहीं देगी, ऐसा तुमने कहा था। बच्ची की पढ़ाई के बारे में तुम कब से सोचने लगे? तुम्हारा ताता था या डांस देखने के लिए खरीदा है मैंने। टीवी पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे पड़ोसी के घर में जाकर टीवी देखने में बड़ी शर्म आती है। देखो तो, इस एंटीना को कहाँ लगाना है? हाँ, सर पर टांग दो, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? बहुत हंसी आ रही है। किससे? बच्ची को। जरा उधर जा बेटा, जाने मन मेरी इतनी कम पगार है, ये सारी चीजें याशी की नहीं लगती। वो लोग इंस्टॉलमेंट में देते हैं ना। क्या कहा? इंस्टॉलमेंट में देते हैं? हे भगवान, मैं टीवी के इंस्टॉलमेंट की बात कर रही हूँ।
मेरी पगार ही इंस्टॉलमेंट में आती है। मैंने फ्रिज जैसी कोई चीज नहीं मांगी है, मेरे पापा के घर में तो एसी भी लगा हुआ है। तुम बहुत बदल गई हो। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, यही तो प्रॉब्लम है। सारी बीवियां चाहती कि उनके पति ना बदले और मैं नहीं बदला तो तुम्हें प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है। अरे वो लोग सुन रहे हैं। उन्हें भी सुनने दो। बेताल से शादी करनी है तो पेड़ पे चढ़ना आना चाहिए। मैंने डांसर से शादी की है लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता, कह देती हूँ। हाँ कुछ भी उठपटांग बात मत करो, टीवी की बात है। ठीक है रहने दो, कांग्रेचुलेशंस। देखिए सुनिए, रुकिए रुकिए, अभी टीवी प्रॉब्लम नहीं है, आप है। मैडम अब तुम्हें क्या, हमने आपका टीवी बना दिया है। ए चालू कर रहे। आप कह रहे हैं कि आपकी शादी को पूरे 40 साल हो चुके हैं तो बिना अनबन के कैसे निभाए? एक दूसरे की आपसी समझ। बस करो, टीवी ऑफ कर दो, चलो। ऑफ ही रखना है तो खरीदने की क्या जरूरत थी? मजाक कर रहे हो? देखो मैं इस कबूतर खाने में बहुत नहीं रहना चाहती। वो गली के कोने पर छुपान की दुकान वाला है ना, वो भी तुमसे ज्यादा कमाता है। अरे वो स्मगलर है। चुप भी करो, मैं मटके का पानी नहीं पी सकती और पड़ोस में जाकर टीवी देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो, मैं जानती हूँ। टीवी बच्चे के लिए लिया है लेकिन उसे पैदा मैंने किया है, मैं टीवी नहीं देख सकती। अब क्या हुआ? इंस्टॉलेशन चार्जेस मैडम। ये लो सिर्फ 50 रुपए मैडम, बाकी के पैसे तुम खुद रख लो। थैंक्स मैडम। जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो, जानती हूँ। 50 रुपए ज्यादा है और मेरा भारती, पापा कहाँ गए? भारती ये ये ढील लो पापा, ढील लो। अरे चुप रहो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा धागा छोड़ो। ठीक से झगड़ा भी नहीं कर सकते। मैं वहाँ पागलों की तरह बोली जा रही थी और तुम ओके, तुम यहाँ चले आए। तुम वहाँ से चली क्यों आई? थोड़ी देर और पागलों की तरह बोलती रहती। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती, स्वाभिमान नहीं है क्या? बहुत धूप है, गर्मी हो रही और स्वाभिमान भी है, इसलिए उन लोगों के सामने झगड़ा नहीं किया और यहाँ आ गया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तो मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं है। यहाँ नहीं, अरे कहो घर में नहीं है। देखो मुझे भी बात करनी आती है। अरे वो देखो वहाँ। क्या कह रही हो, चुप रहो। खुद तो बिगड़े हुए हो, इससे भी बिगाड़ रहे हो। पढ़ाई जरूरी है या पतंग उड़ाना? मेरी बेटी होशियार है, बिना पढ़े ही पतंग उड़ाना जानती। ये देखो क्या सुपर है, पतंग। मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है और पतंग उड़ा रहे हो। खून की नदी बही थी। अरे वो पेंसिल शार्प करते वक्त हुआ था। योर ऑनर ये कुछ भी बोले जा रहा है, ये मेरी बीवी जानकी और ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये वही मौजूद था। वकील ये कहना चाहते हैं, ठीक है मान लिया, जो काम एक पिता को नहीं करना चाहिए वो काम मिस्टर पांडियन ने किया है। अपने स्वार्थ के लिए मेरी बच्ची को इन्होंने डांसर बना दिया था। आजकल डायरेक्टर की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है, जिसका मन करता है वो कट बोल देता है। अरे क्या प्रॉब्लम है जाकर देखो ना। सॉरी सर, वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी बच्ची से क्या करवा रहे हो? वो मेरी भी बेटी है, सॉरी मास्टर, वो डांस कर रही है। तुम अकेले काफी नहीं थे क्या जो मेरी बेटी को भी डांसर बना रहे हो? तुम कुछ भी बोले जा रही हो यार, ये कला है कला। ऐसी कला को तुम डांस कहते हो? यूनियन की प्रॉब्लम है क्या? और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है सर। ओह नमस्ते मैडम। ये डायरेक्टर साहब हैं। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। नमस्ते। क्या बड़े डायरेक्टर हैं? किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं क्या? छोटी सी फिल्म के डायरेक्टर हैं ना? सुनो पांडियन, आप अपनी पत्नी से बात कर लो, मैं वहाँ इंतजार करता हूँ। तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत? तुम्हें तो बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है। मास्टर वो आपका असिस्टेंट है ना, जाकर प्रॉब्लम खत्म करो। याद रखना बच्ची कंटिन्यूटी में है। स्पॉट मेरे लिए चाय ला। अरे छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। पांडियन तुम्हारी बेटी डांस करेगी या नहीं? मैं डांस मास्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी डांस नहीं करेगी, विश्वनाथ अय्यर की पोती डांस नहीं करेगी। अरे यार मैंने विश्वनाथ अय्यर की पोती को लाने के लिए नहीं, तुम्हारी बेटी को लाने के लिए कहा था। मेरी बेटी सर, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। विश्वनाथ की बेटी से मैंने शादी की है इसलिए मेरी बेटी विश्वनाथ की पोती हो गई। तो ये विश्वनाथ अय्यर की जो पोती है ना, ये उसकी माँ है। आई एम सॉरी, ये मेरी बीवी है। ओहो मैं सुब्रमण्यम अय्यर का पोता हूँ, मैं भी तो डांस कर रहा हूँ। हाँ डांस करते हैं मास्टर। देखिए मैडम वो इस तरफ गई है मास्टर। अरे क्या कर रही है मैडम, बच्ची कर रही है। क्या कर रही हैं आप? जानवरों की तरह बांध के रखा है मेरी बच्ची को। हाँ अगर नहीं बांधा तो बच्ची नीचे गिर जाती है ना। ये कोई उम्र है इस बच्ची के पैर बांधने की? चलो यहाँ से। मेरी बात सुनो जानी, मैं कमिट कर चुका हूँ। तुमने क्या क्या कमिट किया, इससे मुझे क्या लेना देना? पढ़ाई खराब कर दी इसकी। आज संडे है, स्कूल छुट्टी है। रुको रुको मेरी बात तो सुनो। देखो अगर वो डांस करे तो उसे 5,000 रुपए देंगे, समझ लो कि उसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है। ओहो बच्ची की कमाई खाना चाहते हो तुम? बच्ची की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं पता है ना तुम्हें? आपने 4 लोगों के सामने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा था क्या? वो योर ऑनर तो आपने नहीं मारा। 4 लोग नहीं ऑनर,
वहां 400 लोग थे। हाँ? लेकिन उसका कारण क्या था और किन परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ? मिस्टर पांडियन, वो सब रहने दीजिए। आपने इनको थप्पड़ मारा या नहीं? देखिए ऑनर, कितने दोस्त आपस में लड़ते, कितने पति पत्नी आपस में लड़ते, कोर्ट तक नहीं आते। आप लोग यहाँ आ गए हैं से यस और नो? यस यस। ओके। क्या ओके? आपने यस कहा वो ओके? वो नो यस ऑनर। आपने थप्पड़ मारा या नहीं? हाँ। हाँ का मतलब यस होता है। यस, दैट्स ऑल। भैया कबूल कर लिया। अब उसने मुझे क्यों देख रही हो? मम्मी को देखो। आई हियर बाई ग्रैंड डिवोर्स टू जानकी एंड पांडियन। अब से दोनों को एक साथ पति पत्नी बनकर रहने की बंदिश नहीं। शांत, ये कोई मीटिंग है क्या? आई ऑर्डर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड भारती विद द मदर जानकी। नो नो योर ऑनर, चाहे तो आप मेरी बेटी से पूछ लीजिए, वो कहेगी कि वो मेरे साथ रहना चाहिए, है ना भारती? चुप। मिस्टर पांडियन, 14 साल के बाद ही एक बच्चा सोच समझ कर कोई फैसला कर सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते योर ऑनर। इसे देखिए, 14 साल हुए, कई साल हो गए, लेकिन कोई फैसला ढंग का नहीं किया। बहस करके कोई फायदा नहीं। दिस इज लॉ। कानून के मुताबिक बच्ची अपनी माँ के साथ रहेगी। एक बात और, जानकी की हैसियत अगर देखी जाए तो बच्चे की परवरिश वही ठीक से होगी। तो योर ऑनर, क्या मैं अपनी बेटी से कभी मिल सकते हो? हफ्ते में एक दिन। बेटी, शुक्रवार ठीक रहेगा ना? हाँ, तो शुक्रवार ठीक है। किसी भी पब्लिक प्लेस में मिल सकते हो। तुम सुनो, बाद में इन दोनों से तुम अलग अलग साइन ले लेना। क्यों बेटी जानकी, तुम खुश हो ना? हाउ अबाउट यू मिस्टर पांडियन? तुम बेटी से मिल सकते हो हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार को। मेरी प्यारी गुड़िया। और बेल रेडी हो? किस लिए? भूल गए क्या? याउ मी ब्लक। ठीक है, बोलो। याउ मी ब्लक। आप हार गए तो मैं पूछूंगी, ठीक है? अब पूछूं। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। गलत है। हा? आज गुड फ्राइडे है। वो कैसे? आज मैं आपसे मिल रही हूँ, इसलिए गुड फ्राइडे। अरे यार, ये फायर इंजन की तरह बजता हूँ। हेलो। अरे भैया, हाँ बोलिए। तुम लोग बच्ची के पास ही रहना और उसे कहना कि मांस मच्छी खाने वाले से डरे और उससे कम से कम आधा किलोमीटर दूर रहना, कुछ समझे? उनसे पूछिए मेरी बच्ची कहाँ है। अभी बच्ची कहाँ है? गणपति बाबा से क्या मांग रही हो बेटू? मैं मांग रही हूँ कि मैं जल्दी से बुढ़ी हो जाऊँ। क्यों? कोर्ट में जज ने कहा था 14 साल की हो जाऊंगी तो किसी के भी साथ रह सकती हूँ, तो अगर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो आपके पास आ जाऊंगी। बूढ़े हो जाओगी तो फिर तेरी शादी नहीं होगी क्या? नहीं करूंगी तो डाइवोर्स भी नहीं होगा। आप बच्ची को क्या दे रहे हैं? मेरी बेटी को मैं कुछ भी दूंगा, समझे? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे दो। तुम्हारी बेटी पहले जैसा कुछ भी खाने वाली नहीं है। ये क्या है, इसे परखने के बाद ही ये खाएगी, समझ गए? बच्चे के लिए लाया और तू झूठा कर रहा है। अपने आप को क्या तू फन्ने का समझता है? वो बिल्कुल ठीक कह रहे, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। वेरी गुड, ये बात ये जानती है और आप नहीं जानते। आप जो हमेशा देते वो दे दीजिए। अब इसे कैसे चेक करोगे? ये बहुत ज्यादा होशियार है, बिल्कुल विश्वनाथ जी के जैसा। ठीक है, जल्दी खत्म करो। hey, जल्दी खत्म करने के लिए इधर खाना बन रहा है क्या? देखो, चाहे जो भी हो, ये विश्वनाथ जी का ऑर्डर है। क्या विश्वनाथ का ऑर्डर लगा रखा है? मैं नहीं मानता, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तुम लोग दूर खड़े हो। तुम लोग, इसने कहा और तुम लोग चल दिए? देखिए, जब आप बच्ची से बात करेंगे तो हम यहीं रहेंगे, ये विश्वनाथ जी का ऑर्डर है।
लेकिन मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी, ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर आपने ठीक से पढ़ा नहीं? अरे आप कहाँ पढ़ेंगे, आप तो 10वीं भी पास नहीं कर पाए। अब ठीक है, यू आर एंटाइटल टू सी द चाइल्ड ओनली इन द पब्लिक प्लेस, हिंदी में बोलू तो सार्वजनिक जगह। ये रह सकता है, ये भी रह सकता है, तुम भी रह सकते हो। अरे भाई तुम सब लोग रह सकते हो। हो गया ना सार्वजनिक जगह। अरे मुंह में क्या है, मुंह खोलो, बहुत गंदी है। उस तरफ ये सब लोग अलग अलग दिशा बता रहे हैं। अरे जाओ, तुम इतने लोग गए हो, आखिर कर क्या रहे हो? कोई परिंदा है क्या जो ऐसे ही हवा हो गया है? ढूंढो उसे, वो आसपास ही कहीं होगा। अच्छी तरह ढूंढो और फिर मुझे फोन करो। भाई भाई लेफ्ट में लिखी ना। अरे गाड़ी चला रहे हो क्या? लेफ्ट राइट? तुम गाड़ी चला रहे हो क्या जो लेफ्ट लेफ्ट कर रहे हो? बाप रे, उनसे कहिए टाइम खत्म हो चुका है। बोलो टाइम हो गया, बच्ची को जल्दी लेकर आओ। बेटा टाइम हो गया, चलो आ जा। चलो पापा याद रखना, या उमी ये तुम क्या कर रही हो? आप चुप रहिए। ठीक है। ये क्या है? नहीं जानता। साड़ी? ये क्या है? नहीं जानता। कॉटन की साड़ी? अच्छा चलो बेटा। बाय बाय। अरे तो अब क्या, तुम्हारी चिके ने तो डिवोर्स ले लिया ना, तुम अंडा लेकर भाग जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो भाई? कह रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर भाग जाओ। भाई तुम्हारा दिमाग सटा गया क्या? क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? वो बच्ची आखिर किसकी है? तुम्हारी है, तुम उसके बाप हो। तुम उसे लेकर बंगलोर या मैसूर भाग जाओ कहीं नॉर्थ इंडिया में। वो नॉर्थ इंडिया में नहीं है भाई। तो दुबई भाग जाओ, वो साउथ इंडिया में है, मेरे रिश्तेदार है, मैं उनका एड्रेस देता हूँ, वो अच्छा ख्याल रखेंगे। क्या हुआ टॉमी, किसे देखकर भौंक रहे हो? नो 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 नो, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम मुझे कॉपरेट करो, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत बिस्किट खिलाऊंगा। हाँ अरे ये आवाज कहां से? अच्छा तुम वहां हो। मेरी गुड़िया। हे मेरे बैल। कहाँ जा रही हो? आपसे मिलने। मैं भी तुमसे मिलने, नहीं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। अरे वाह, मैं आपके साथ भागने के लिए तैयार हूँ। शोर मत मचाओ। सेम पिच। चलो चलते। अरे आप शोर मत मचाओ। अच्छा। मेरा टेडी बैल। आप गुदगुदी क्यों कर रहे हैं? तुम रोज मेरे दिल में आग लगाती हो, इसीलिए गुदगुदी कर रहा हूँ। आओ। जाकर देखो लाइट किसने जलाई। जाओ। क्यों पांडियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में रात में आकर बच्ची को चुरा के ले जा रहे हो? बच्ची को ले आओ। भारती इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ। अरे ये सेतुराम कहाँ मर गया? मैं यहाँ पे हूँ। क्यों रे, खराटे मार के सो रहा था क्या? ऐसे ही लेटा था, पता नहीं कब आंख लग गई। ये दामाद जी कब आए? दामाद दामाद कुछ नहीं है, वो बच्ची चोरी करके ले जा रहा था। पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाओ। और सुनो, ये भी कहना कि फ्राइडे फ्राइडे मिलना बंद कर दे अब। ठीक है भैया। जानकी बच्ची को अंदर लेकर आओ। चलो। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत की आप यहाँ? तुम लोग इधर आओ। अब से आप बच्ची से फ्राइडे को भी नहीं मिल सकते हैं। अब आप एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाकर साइन कर दो। देखो इस बार सिर्फ 5,000 का हर्जाना लगाया है, दोबारा ऐसा किया ना तो 10,000 रुपए लगेंगे, समझे? साइन करो यहाँ। भाई तुम मेरे लिए इतना करते हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? तो अगली बार मैं अंदर जाता हूँ, तुम आकर बेल पर निकालना। क्या बात करते हो, किसी उम्मीद से थोड़े नहीं ये सब किया है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है और तुम इसे एहसान कहते हो? सॉरी भाई, नाराज मत हो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो सब छोड़ो। अगर तुम अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे फिल्मों में चांस दिला दो, लेकिन मुझे गाना और नाचना नहीं आता है, पर एक्टिंग आती है, अच्छी तरह से कर लेता हूँ। एक बात, करीना या दीपिका कोई भी हीरोइन हो चलेगा,
मुझे भिखारी का एक छोटा सा रोल दिला दो मामा जी, कुछ पैसे दे दो मेरे को स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए। आपका बना रहे कार, आपका बने रहे बंगला, आपके बने रहे बच्चे। ऐसे क्या हुआ? ड्राइवर गाड़ी रोको। पापा जरा वहां देखिए तो। ठीक, इतना गंदा आदमी, तुमने कोई पुण्य किए होंगे या तुम्हारे पूर्वजों ने पुण्य किए होंगे कि तुम बच गई। चलो गाड़ी चलाओ। और स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए और ये कैसा अन्याय है? अच्छा तुम हो, 20 साल से पी रहा हूं, अब तुम अन्याय बोलोगे तो कैसे चलेगा? ये देखिए आप। क्या ये तो ब्रांडी है। आखिर इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है? इसे उल्टा कीजिए। उल्टा करूंगा गिर जाएगा। अरे पेपर को उल्टा कीजिए। अच्छा, पेपर उल्टा करूं? हाँ हो गया। देखा ना आपने, यही अन्याय है। बच्ची को संभालने के लिए औरत चाहिए, ये भी तो औरत है, ये क्यों नहीं संभालती? नहीं, इसे तो क्लब जाना है, टेनिस खेलना है। औरत का ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। अरे ये तो खुद ब्राह्मण है, ये क्यों नहीं संभालती? किसी और को बच्चे को संभालने को देगी तो वो ठीक से नहीं संभालेगी। मेरा तो दिल जल रहा है। उसके लिए एक इलाज है। क्या? तुम फटाफट ये क्वार्टर मार लो। अरे इससे दिल और जलेगा। जोसेफ भाई। क्या जोसेफ भाई, इतना टाइम लगाते हो आप? जरा सा मेकअप करने में टाइम लगाओगे तो शूटिंग कैसे होगी बोलो? मेरे काम में अगर तुमने कमी निकाली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? ये सुनो, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। सिर्फ आधे घंटे में 50 लोगों का मेकअप कर दो तो हो जाएगा क्या? ये घर में चूना लगाने के जैसा समझ रहे हो तुम? इस जोसेफ के टैलेंट को नहीं जानते हो। मुझे तो अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, थोड़ा समय देते तो। अरे तो उससे क्या हो जाता? थोड़ा टाइम देकर देखो, मैं एक तोते को बंदर बना दूंगा। देखो जोसेफ भाई क्या क्या बोलते रहते हैं, दिमाग खराब हो गया है इनका। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तोते को ही बंदर बनाना मेकअप कहते हैं। तुम्हें मेरे जैसा बनाऊंगा, मुझे तुम्हारे जैसा बनाऊंगा, औरत को मर्द बनाऊंगा, मर्द को औरत बनाऊंगा। क्यों पांडियन, तुम्हें क्या बनना है? रात भर बैठकर रामायण सुनने के बाद पूछता है कि सीता कौन थी। कितनी बार बताओ कि मुझे औरत बनाओ। अरे रामायण का सीता बना सकता हूँ, सुनखा बना सकता हूँ। ओ तो आप ये पूछ रहे हैं? और नहीं तो क्या। इसलिए कहता हूँ आप शराब मत पीजिए। मैंने आपको एक ऐड दिखाया था। लेकिन मुझे 2 लगे थे। अब मजाक मत कीजिए, वो एक ब्राह्मण औरत है। ओहो ब्राह्मण औरत है। हाँ। मोटी होगी कि पतली होगी? देखिए आप फिर। अच्छा दुबली होगी, बताए ना यार वो कैसी होनी चाहिए। एक मिनट में आया। डिस्टर्ब मत करो। अरे यही वो सैंपल फोटो। तुम्हारी बीवी की फोटो है? फोटो के अंदर एक और फोटो, वो देखिए आप। ओफ ओफ ओ, दीवार पर एक फोटो, वो देखिए। ये तो तुम्हारी बीवी की फोटो है। अरे ये मेरी बीवी की माँ मेरी सास है, इन्हीं के जैसा मुझे बनना है। ए, तुम्हें सास की तरह बनकर मुझे ससुर के घर भेजना है क्या? इसीलिए ये बात बाहर किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता तुम घर पर रहते, मेकअप करवाने क्यों आए हो? तुम्हारे अलावा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं तो जानता हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैला दूंगा। क्या कहा? पहले तुम यहाँ 20,000 रुपए रखो, राज को दफन कर दूंगा। अरे रे आप ये क्या कर रहे हैं? आपने 4,000 मांगे थे, मैं अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसे लाया हूँ। बापरे तुमने उसे 4,000 में क्यों बेचा? 20,000 में मोटरसाइकिल बेचनी थी। अरे वो मोटरबाइक 20,000 में कौन? अच्छा ठीक है तुम उसे 20,000 में खरीदो। तुम्हारी मोटरसाइकिल खरीदूं? 4,000 को एडवांस समझ के रख लेता हूँ, बाकी के बाद में देना। ये अन्याय कर रहे हैं। इससे ज्यादा अन्याय है क्या? अरे ठीक है मैं जानकी की जमा जानकी की माँ के घर फोन करके। जरा रुको, एक घूंट मार लूं क्या? इसे पीने की क्या जरूरत है? ये बदबू काफी नहीं है क्या? मैं जरा फोन करके आता हूँ। उनसे कहोगे भेस बदल कर आने वाले। सुनिए आप इसे लगातार पीते रहिए, तभी आप होश में रहेंगे। इस तरह अक्सर कोई कहता रहेगा, तुम मारता भी रहूंगा और मेकअप भी करूंगा। हेलो वन मिनट। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते, बोलो क्या बात है? आपने ऐड दिया था कि आपको बच्ची की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत है। हाँ तो वो ऐड मैंने पढ़ा। अच्छा ऐसी बात है, रुको सुनो, कल वो हाँ। लेडी सर्वेंट्स के लिए कितने बजे इंटरव्यू है? नौकरानी के लिए इंटरव्यू, कौन फोन कर रहा है? चुप, बताओ कितने बजे बुलाया है? 11 o'clock मॉर्निंग। अच्छा ठीक है। हेलो आप एक काम कीजिए, कल सुबह 11 बजे मेरे घर पे इंटरव्यू के लिए आ जाइएगा। नाम क्या है? मैंने बताया था ना, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और ब्राह्मण हूँ। आपने मेरा नाम पूछा ना? हाँ जी, वो पल्लवन बस जा रही थी इसलिए आपको ठीक से कह नहीं पाई। एक मिनट, यूज 1 रुपी कॉइन ओनली। आप क्या कह रही हैं? मैं टेलीफोन बूथ से बोल रही हूँ जी। ठीक है। मेरा नाम अवई षणमुगम। अवई षणमुगम, ये आदमी का नाम है? मुगी शनमुगी, अवई शनमुगी। क्या वाल्मीकि? वाल्मीकि नहीं है जी, शनमुखी है ना। अवई शनमुखी। ये अवई तो बहुत पुराना नाम है। वो अवई हमारे खानदान में कई पीढ़ियों से रखते हैं जी।
मेरे पिताजी और दादाजी सब पंडित थे। मेरे दादाजी गुरुदेव जी के शिष्य थे। हम लोग उनके बहुत करीब थे। वैसे तो गुरुदेव जी हमारे रिश्तेदार ही थे। ठीक है, आप उन सबको लेके कल सुबह आ जाओ। उन्हें लेकर कैसे आ सकती हूँ? I'm sorry, मेरा मतलब है कि आप कल सुबह आ जाओ। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। नमस्ते। अब क्या हुआ तुम्हें? बच्चों के जैसे रो रहे हो। तुम्हारी जान थोड़ी ना गई है, मूंछ ही तो गई है। अब चलो निकालो उसे। हाँ पांड्या, ना देखो एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। क्या है? ये जो मेकअप है सिर्फ 5 घंटे तक रहेगा। मेरी तो 12 बज जाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, उसके बाद मेकअप की वॉट लग जाएगी। क्यों पांडियन, मैं क्या टैटू बना रहा हूँ जो परमानेंट रहेगा। तुम किसी तरह शाम को 5 बजे तक वापस आना, नहीं तो सनमुखी पांडियन बन जाएगा। सर इधर लेकर आओ। ओ हो गया हो गया हो गया। ओ थोड़े पुराने ख्याल क्यों ना, इसलिए ऐसी बात है। मैं भी पगार सिर्फ 1,000 रुपए और 1,00,000 सवाल पूछते हैं। हद है ये लोग। सुनिए, यहाँ वेंकट लक्ष्मी कौन है? वो है या चली गई? जरा हटिए तो। ये लाल माला कहाँ से लिया आपने? जोसेफ से लिया, जोसेफ ज्वेलर्स से खरीदा। बहुत अच्छी है और आप पर बहुत जज भी रही है। थैंक्स नहीं कहेंगी? थैंक्स। घर कहाँ है तुम्हारा? अशोकनगर। अशोकनगर में रहती थी, अभी पास में रहती है। अगर यहाँ से भी आवाज देंगी तो तुरंत आ जाएगी। पहले जहाँ काम कर रही थी वहाँ क्यों छोड़ दिया? वो ऐसा हुआ, वो लोग अमेरिका चले गए, इसे भी ले जाना चाहते थे। ये जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए यहीं पे रह गई। देखिए सिलेक्शन हो गया है, अब आप लोग घर जा सकती हैं। जी वो चलो, इंटरव्यू खत्म हो गया, आप लोग चले जाइए। उस चुड़ैल ने किसी तरह उन्हें पटा लिया है। क्या कहा आपने? मैंने कहा आपके कान के फूल अच्छे हैं। हाँ तब ठीक है। चलो चाची। अरे बेटा मुझे नहीं, तो नहीं, कार चलाऊंगी, छोड़िए। आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? जाइए। अरे जान बचाओ, जान बचाओ, जल्दी। अरे नीचे ले जाओ। अरे आग लग गई एक साथ पटाखे में। जल्दी उसे लेकर आओ। ये क्या हो गया? मेरी बच्ची बाहर दे। अरे कोई कंबल लेकर आओ, जल्दी करो, जल्दी करो ना। अरे क्या हो गया ये? बच्ची को उसने पानी में फेंक दिया, कैसी औरत है? मेरी बच्ची भारती, बाप रे भारती, अरे बाप रे, ये तो काफी जल चुकी क्या है। क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था किसी ने सुना नहीं। बच्ची कहाँ है? पिताजी ये देखिए ना कितना जल रही है। किस बेवकूफ ने इसे पानी में फेंका? हमने नहीं सब, उन्होंने फेंका। कौन हो तुम? बच्ची को दीजिए। कौन हो? हाँ वही शनमुखी। बच्ची को जब आग लगी तब उसे कंबल में लपेटना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे पानी में फेंक दिया। अगर सेप्टिक हो गया तो? नहीं, इससे सेप्टिक नहीं होता। अरे क्या? तुम क्या कोई डॉक्टर हो? भैया ने कहा कि सेप्टिक होगा तो पक्का होगा। कैसी औरत हो तुम?
तुम बकवास बंद करो और डॉक्टर को फोन करो जल्दी। अरे हुआ क्या था, आग लग गई थी तो 101 नंबर पे फोन करना चाहिए, मुझे क्यों फोन किया? नमस्ते सर, पहले टोपी पहनो अपनी। फायर एक्सीडेंट नहीं हुआ और पूरा जल गया क्या? एम्बुलेंस को फोन किया कि नहीं किया? अरे डॉक्टर पूरा नहीं बल्कि पेट में अल्सर है। नहीं वो नहीं है, तो जलन होगी। मजाक मत कीजिए डॉक्टर, पेट में प्रेग्नेंट है। अरे नहीं नहीं, वो बच्ची जो है। अच्छा बच्ची पैदा हो गई, कंग्रेचुलेशन। बच्ची मतलब भारती के पेट में आग लगी। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? कहा दिया। नमस्ते अंकल। हुआ क्या, पटाखे चला रही थी तो बच्ची का पेट जल गया, जल्दी देखो इसे। अच्छा बेटा क्या किया तुमने? रॉकेट जला रही थी। रॉकेट जलाया, संभाल कर जलाना चाहिए ना रॉकेट को। तुम बिल्कुल मेरी बातें नहीं सुनती हो, चलो दिखाओ दिखाओ। इसके इलाज से बेहतर जख्म है। क्या बोला तुमने? मैंने कहा आप ग्रेट डॉक्टर हो। चलो दिखाओ बेटा, घूम जाओ घूम जाओ, कुछ नहीं हुआ है, देखने दो मुझे। आज तुम बहुत अच्छे लग रही हो। देखने दो, कोई बात नहीं। बताओ डॉक्टर, इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी ना कहीं? उसकी कोई जरूरत नहीं, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। मामूली सा जख्म है। किसी ने कंबल डाला था क्या इसके ऊपर? मैंने उसी वक्त कहा था कि इसको कंबल में लपेटना चाहिए था, लेकिन इसे पानी में फेंक दिया। कहाँ है वो इडियोटिक लेडी? ये यहाँ पर खड़ी है। हाँ यही है, मैंने इसे सिर्फ पानी में डुबोया। वेरी वेल डन, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन्होंने अच्छा काम किया अंकल। थैंक्स। अगर ये कंबल डाल देती तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है? और पता है जल जाने पर पानी डालना ही सही ट्रीटमेंट होता है। ऐसी बात है? हाँ, बच्ची की देखभाल के लिए ये औरत बिल्कुल परफेक्ट है। तो तुम कहते हो तो इसे अपॉइंट कर ले। अभी तक किया नहीं, जल्दी कर लीजिए। तुम इसके लिए फीस लेने वाले? हाँ, हो क्या? बिल्कुल लूंगा, बहू बना के इसे अपने घर लेकर आऊंगा मैं। क्या मेरे बेटे में क्या कमी है? देखने में बिल्कुल हैंडसम है मेरी तरह। अच्छा अंकल चलता हूँ मैं, जा रहा हूँ मोटी। ख्याल रखना इसका, चलता हूँ चाची। अच्छा सुनो, तुमने नाम क्या बताया? आवई शनमुखी। सेतु, हाँ। शनमुखी को हमारी बच्ची की देखभाल के लिए अपॉइंट कर दो। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं। अपनी पगार के बारे में तुम सेतु से बात कर लेना। हाँ। ऐसा लगता है कि आप मेरी बच्ची को बचाने के लिए आई थी। मैं आपकी आप बेटी मुझे को तुम कह सकती हैं। तुम मानो या ना मानो लेकिन मैं बच्ची के लिए आई हूँ। हाँ? उसकी देखभाल करने आई हूँ। हाँ वही तो कह रही। बुजुर्ग कहते हैं भगवान साक्षात नहीं आते, किसी वेश में आते हैं। आज आपके रूप में आए हैं। थैंक यू सो मच चाची। मैं आपको चाची कह सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कह सकती हो। इसे अपना ही घर समझिए और आज से यहीं रहिए। नहीं, 5 बजे मुझे घर जाना। क्यों? मेकअप। मेरा मतलब था कि घर जाकर मुझे बहुत काम करने होते, इसलिए मुझे टाइम मेकअप करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसे अपनी ही बच्ची समझिए। इसे बेडरूम में लेकर जाइए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सॉरी बेडरूम सीधे जाकर जाना। वास्तु के हिसाब से लेफ्ट में होना चाहिए। करेक्ट, बेडरूम वही है। गुड़िया कार लेकर जाओ, मेडिकल स्टोर से ये सारी दवाइयाँ जल्दी से लेकर आना। जी मैडम। ठीक है। हाँ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट आ गया ना। अच्छा वो लोग इंतजार कर रहे मेरा। ठीक है मैं ऑफिस में ही आ रहा हूँ। हाँ चलो फोन रखो। बेटा जानकी तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो ना? आ रही हूँ पिताजी। आपने ध्यान दिया? किसे? ये चाची दिखने में बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी लगती है, ये कहना चाहती हूँ। दर्द कैसा है बेटा? पापा दर्द हो रहा है बेटा? नहीं पापा। मुझे चाची कह के बुलाओ। नहीं पापा। हे मेरे बैल। मेरी गुड़िया तुमने मुझे कैसे पहचाना? अपने पापा की खुशबू नहीं जानती क्या? और मुझे कौन ऐसे पकड़ के पप्पी देगा बताओ? पापा। नहीं चाची बोलो। नहीं पापा दर्द हो रहा है। ओ सॉरी, चाहे कितना भी दर्द हो मुझे पापा मत बोलना। ओके ठीक है, हाथ दिखाइए ऐसे। मदर प्रॉमिस, सॉरी चाची प्रॉमिस। नहीं मेकअप मेकअप। मेरी गुड़िया ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए बनाया गया। सॉरी चाची। हम अक्सर टकरा जाते हैं। नाम क्या है आपका? आवई शनमुखी। ये नाम कभी सुना नहीं लेकिन अच्छा है। आप यहाँ क्या करती हैं? पांडियन की बेटी की देखभाल करती हूँ। बेटी को लेकर तो वो चली गई। नहीं पांडियन मेरे बेटे जैसा है, उसका डिवोर्स हो गया इसलिए उसका खाना बनाते हूँ मैं। ओ इसका मतलब आप पांडियन की कुकर हैं? कुक नहीं कुकी हूँ। आप बहुत मजाकिया, पांडियन घर पे नहीं? मैं है। जानती हूँ। वो कैसे? आप ही ने तो अभी बताया। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। पांडियन घर पे नहीं है? मैं क्या पांडियन का अचार डालने वाली हूँ? सुनिए पांडियन के लिए एक लड़की इंतजार कर रही है। चाची तो बहुत फुर्तीली है। तुम रत्ना हो ना? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? पांडियन ने बताया था। पांडे ने मेरे बारे में आपको बताया है? क्या कहा उसने? खैर जाने दीजिए, बिना डरे बोलिए। औरतों के बीच में कैसी शर्म? हाँ
पानियन जल्दी बताइए ना। पानियन ने कहा कि रत्ना मेरे साथ डांस करती है। बस इतना ही कहा। ये बताइए आप कौन हैं? मैं पानियन की शनमुखी हूँ। हम एक ही गांव से, मुझे खाना बनाने के लिए पानियन ने रखा है। तो मुझे ऐसे क्यों देख रही? मैं तो सिर्फ खाना बनाने आई हूँ, तुम क्यों आई हो वो तो बताओ। चाची ये बात मैं उसे कई बार पूछ चुका हूँ, लेकिन ये कहती है कि ये सिर्फ पांडियन को ही बताएंगे। सही कहा ना? चलो हटो। चाची कब आए? मतलब आप दोनों जब बातें कर रही थी ना तभी मैं आ गया। आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए चुपके सुन रहा था। चाची जब आप सीढ़ी पे चढ़ रही थी तो मुझे कुछ डाउट हुआ। कैसा डाउट? वो अपना पांडियन नॉन वेज खाता है और आप ठहरी ब्राह्मण। आप जो खाना बनाएंगी वो खाना कभी उसे पसंद आएगा क्या? इसकी चिंता पांडियन को होना चाहिए, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? उसमें एक बात है। क्या बात है? वो मैं सिर्फ पांडियन को ही बताऊंगा, पांडियन को आने दो। ठीक है बेटी, तुम बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो? वो मैं आपको नहीं बता सकती, पहले पांडियन को तो आने दीजिए, मैं उसी को बताऊंगी। मत दिया, कम से कम आप तो बताइए। मैं सिर्फ पांडियन को ही बताऊंगा। उसे बताने वाली बात मुझे बता सकते? नहीं बता सकता। तुम दोनों पांडियन के आने का इंतजार कर रहे हो ना? मैं नहा कर आती हूँ जरा। अभी तक आपने नहाया नहीं क्या? नहीं मैं पूछ रहा था कि बिना नहाए आ गई हैं? आम तौर पर नहाने के बाद ही खाना बनाना चाहिए। बहुत साफ सुथरी हैं चाची। ये बताओ तुम तो नहा के आई हो ना? क्या? तुम्हारे इत्र की खुशबू लाजवाब है, इसलिए लगा बिना नहाए आई हो। ए, क्या कहा? लगता है बहुत गुस्से वाली है ये। आए गिरी नंदिनी नंदित मेदिन विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद सरोदि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते आय गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवरविंद सरोदि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। क्या हुआ पांडियन, पाइप से क्यों उतर रहे हो? पाइप में पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैंने खुद जाकर देखा। हाय हे, ये क्या किया तुमने, इतनी अच्छी मूंछें निकाल दी। वो मेरे पिताजी चल बसे। तुमने बताया नहीं? अभी बताया ना। वो कब चल बसे? काफी दिन पहले। तो तब क्यों नहीं निकाला? उनकी मौत होते ही उन्हें जला दिया। ओ, मतलब उस वक्त मुझ क्यों नहीं निकाली? उस वक्त टाइम नहीं मिला इसलिए अभी निकाली। छोड़ ना। ये क्या है? बिंदी। ये माँ की बिंदी है, पिताजी के मरते ही माँ ने बिंदी निकाल दी और मुझसे कहा कि तुमने मूछे निकाल दी तो ये बिंदी तो लगा लो, तुम्हारी भी मूछे नहीं तो ये लगा लो। थैंक यू। पांडियन तुम क्या सिर्फ लड़कियों से बात करोगे? मैं यहाँ कब से बैठ के तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम उसी से बात किए जा रहे हो? तो ठीक है चलिए आप भी बात कीजिए। तुम्हारे पिताजी चल वैसे क्या? कब? मेरे जख्मों को हरा मत करो मदलियार, खुशी की बात सुनाओ ना। खुशी की बात सुनाओ? हाँ। वो तुम्हारी चाची आ गई। मैं जानता हूँ। कैसे? अरे आपने बताया ना। पांडियन तुम और चाची बिल्कुल एक जैसे ही हो। कैसे जानते हो? कैसे जानता हूँ बताओ, तुम दोनों मुझसे एक ही बात कहते हो, आप ही ने बताया। अच्छा रत्ना क्या इम्पोर्टेंट बात थी? इम्पोर्टेंट बात है तुम्हें कैसे पता चला? मैंने नहीं बताया। तुमने भी नहीं बताया लेकिन तुम आई हो तो कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, क्या बात है बताओ। इधर आओ, पहले इस आदमी को यहाँ से भगा दो। बस उतना ही ना मतलब। मैं जाता हूँ, अपनी बात बता के मैं चला जाऊंगा। पांडियन तुम तो जानते हो मैं बिना शादीशुदा आदमी हूँ, इसलिए चाहता हूँ
वो जो चाची है ना, ऊपर से वो ब्राह्मण भी है, तो जब वो तुम्हारा खाना बनाती है तो मेरा भी खाना बना दे थोड़ा सा। अरे ये सब मैं कैसे कमिट कर सकता हूँ? तुम क्यों कमिट करोगे, मैं तो चाची से कमिट करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे यार पता नहीं क्या गिरा। चलो चलो लगता है चाची गिर गई। क्या कर रहे हो, एक औरत अंदर नहा रही है। आवाज आई ना? हो सकता है आवाज करते हुए नहा रही। नहीं नहीं नहीं, उनसे कहो अच्छे से रगड़ के नहाए, थोड़ा रंग निकल जाएगा। क्या बोल रहे हो, तुम कहां जा रही हो? मैं जा रही हूं, मैं तो औरत हूं ना। अरे वो किसी को भी देखकर बहुत शर्माती, बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, उसे छू ऐसे आवाज करती हुआ, मैं पूछ के बताता हूँ। अरे आवाज कैसी थी चाची? कुछ नहीं हुआ, बर्तन गिरा। अरे बर्तन गिर गया था मुदली यार, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम वही तो बताऊंगी। वो बताएगी मुदली यार। मैं अपनी बात बता के जाता हूँ। मुदली यार तुम मुझे रोकोगे? ये क्या मुदली यार, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो। बताइए ना क्या चाहिए आपको? पेट पे मार रहे हो। ठीक है, आपको वो बात पूछनी थी ना, मैं उनसे पूछकर बताता हूँ। वो बहुत शर्मीली है मुदली यार। इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या कहा? मेरी और चाची की आदत कितनी मिलती है, हम दोनों शर्मीले हैं। तो क्या? कुछ नहीं, जाइए जाकर बैठिए। क्या हुआ चाची? अरे रे रे, मुदली यार पूछ रहे हैं कि आप उनके लिए भी खाना बनाएंगे क्या? क्या चाची आप इतना चिल्लाते क्यों है? और नहीं तो क्या, मुदली यार के लिए खाना बनाओ बोलोगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? उसकी शक्ल देखकर ही मुझे बड़ा अजीब लगता है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए मुदली यार है, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं खाना नहीं बना सकती हूँ पांडियन, बहुत ही बेकार आदमी, वो दूसरे के घर में आके खाने के लिए कहता है। ठीक है चाची, आइंदा इस बारे में बात नहीं करूंगा। ऐसे चला रही जैसे आपको शौक लगा हो। बेचारा मुदली यार आपकी बात सुन रहा होगा चाची। उसे सुनने तो, इसीलिए तो जोर से बोल रही हूँ मैं। क्या हुआ? बहुत बड़ा शॉक लगा मुदली यार। हाँ 440 वोल्ट होगा। अच्छा वो वोल्ट है, उससे मैं चाची ने इतनी कड़वी बात कह दी कि मुझे बहुत शॉक लगा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने सब सुना, अगर नहीं बनाना था तो ना कर देती, उसमें शॉक लगने वाली क्या बात थी? रोज होटल में खाना खा के मेरी जीभ का टेस्ट मर गया है। अरे मर गया तो उसका जाकर अंतिम संस्कार करो मुदली यार, जाओ। क्या पांडियन, घर में आए मेहमान को ऐसे इंसल्ट करते हो? मेहमानों के बारे में बुजुर्ग लोग क्या बोलते जानते हो? क्या बोलते बताओ। मैं नहीं जानता इसलिए तुमसे पूछ रहा था, उल्टा मुझसे पूछ के इंसल्ट कर रहा है। अब बताओ क्या बात है। क्या तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? तुम सिर्फ पांडियन नहीं हो, सिर्फ मैं और जोसेफ ये बात जानते हैं। उस बेवड़े ने सब बता दिया क्या? प्रोड्यूसर हारी ने ही जोसेफ को बताया। हारी को कैसे पता चला? कल न्यूज़पेपर में भी होने वाला है। न्यूज़पेपर में? हमने ही न्यूज़ दी थी। आज से तुम डांस असिस्टेंट पांडियन नहीं हो, तुम डांस मास्टर पांडियन हो। तुम डांस मास्टर बन गए। बाप रे, ये कैसा रिएक्शन था? मुझे ऐसा रिएक्शन देना चाहिए था, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, मुझे गलत मत समझना, थैंक यू रत्ना। मैं कितनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ, मुझे ट्रीट नहीं दोगे क्या? बताओ क्या ट्रीट चाहिए तुम्हें, मैं दे दूंगा। मैं क्या ट्रीट मांगूंगी, मुझसे शादी कर लो। ये सब मत करो, दूर दूर खड़ी रहो, दूर 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 खड़ी रहो। चाची अंदर है इसलिए ना? कहाँ जा रही हो? चाची से कहकर आती हूँ। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं, तुम इधर आओ। क्या हुआ? हाँ मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। तो चलते हैं। नहीं अंदर जाकर बाहर जाना है। ठीक है अंदर चलते हैं। नहीं मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन बाथरूम में चाची है। अरे उसके बाहर आते ही मैं अंदर जाऊंगा, तुम इतना पर्सनल मैटर क्यों पूछ रही हो? तो तुम कल आओ, हम आराम से बात करेंगे। ठीक है कल आती हूँ, बाय बाय। ये सब क्या है मुदली यार? देखा मेरे मुंह पे ही हाथ रख दिया ना तुमने? आपने अपना मुंह यहाँ पर क्यों रखा था? मैंने सोचा चाची आई है तो मैं उनसे अपनी बात करके ही जाऊँ। अरे यार मैंने कहा ना वो नहा रही क्या है? वो जिंदगी भर नहाती ही रहेंगी, कहीं गल जाएंगी तो छोड़ो यार। मुदली यार वो रहेंगी तो मैं नहीं आ सकता, मैं रहा तो वो नहीं आ सकती। क्यों? शहर में आती है। अब वो मेरे सामने बात नहीं करेगी। तुम्हारा मतलब हम कल बात करें? हाँ रास्ता इधर है, आप जाइए। घर मालिक को रास्ता दिखा रहे हो? लगता है अब ये मुझसे भाड़ा भी मांगेगा। ये तो चाची से बात ही नहीं करने देता है। ओए माँ, ये नया है, ये मुलायम और बहुत अच्छा है। ये अच्छी क्वालिटी का है, कश्मीर से मंगवाया है, इसकी कीमत 4,000 रुपए है, कल ही पिताजी ने मंगवाया। अरे क्या हो गया? देखो बुरा मत मानना और मैं जो कर रही हूँ गलत मत समझना। अपने पति के साथ फटी हुई चटाई पर सोने में जो खुशी मिलेगी वो तुम्हें इस मलमल की चादर पर मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, थोड़ा खींचे वहां से। मैं अपने पति के साथ फटी हुई चटाई पर ही सोती थी। वो डांस करके आधी रात को किसी चोर की तरह घर में आते थे। वो इतनी देर से क्यों आते थे? उनकी नौकरी ऐसी थी, तुमने जो कहा वही मैं कह रही हूँ, प्रोफेशन। तो मैं क्या थी, उसकी हॉबी? नहीं उसकी बीवी। वो कभी नहीं बदलेंगे चाची, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कौन है साड़ी के अंदर लड़का? दिखने में अच्छा है।
तुम्हारा भाई है। ओ, अच्छा भाई है। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हा? वो मेरे एक्स हस्बैंड है। ओ, इसे साड़ी के अंदर रखी हुई हो। इसे तो ड्राइवोर्स दे दिया था ना तुमने। ड्राइवोर्स नहीं चाची, डिवोर्स। हाँ जो भी हो, मैंने दे दिया था ना। लेकिन ये फोटो मैंने नहीं रखा, किसी और ने रखा था। ये बताओ, ड्राइवर्स देने के लिए ना ना जबान फसल गई, डिवोर्स देना पड़ा, उससे कोई गलती हुई क्या? वो सब छोड़ी चाची, जरा वो कवर दीजिए। उसने क्या गलती की और कैसे गलती की, ये सब पूछने का टाइम नहीं है, मुझे उसकी बात नहीं करनी है। कहते हैं शादी 7 जन्मों का साथ होता है, और मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं 1 जन्म में ही परेशान हो गई। ओ जो भी हो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। फिर भी मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं कह देती हूँ। पति और पत्नी एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप को डिवोर्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत से एक तीसरी जान है। मेरी बात सुनिए, आपको इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, मेरी बच्ची को संभालिए बस। इससे तो मैं इधर आओ। आओ और पास आओ। ये दिन में क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। रात को आता हूँ तो कहती हो रात का समय है, दिन में आता हूँ तो कहती हो दिन में क्यों है, बताओ कब आऊँ? क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ कि इसकी पीठ पर एक छिपकली थी, मैं निकाल रहा था। तुम्हें किचन में नहीं आना चाहिए, यहाँ सिर्फ औरतें आती हैं। मैं भी औरत हूँ। ये भी ठीक है। कौशल्या आंटी, मुझे बूस्ट चाहिए। अभी तो खाना खाया ना, अभी बूस्ट मांग रही है। अरे बूस्ट नहीं आंटी, बूस्ट चाहिए। हाँ, बहुत बातें करती है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। क्यों रे, तेरा बाप तुझे बूस्ट पिलाता था? चाची को बता दूंगी। सन्मुखी चाची बहुत बड़ी तोप है क्या? चल जा बता उसे। तुम हंस रही हो या रो रही हो? ठीक है। अरे 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 अरे, कुड़िया रानी क्यों रो रही, क्या हुआ तुम्हें? कौशल्या आंटी ने मेरा गाल नोचा। अरे बाप रे, इसका गाल तो पूरा लाल हो गया, जाने की ये कैसा अन्याय है, उसे पूछो ना। पहले तो इससे ही पूछिए चाची, ये भी कुछ कम नहीं है। मैंने इसके पिताजी का फोटो फाड़ा ना, इसलिए मुझ पर गुस्सा है। अब अपना गुस्सा मुझे तो दिखा नहीं सकती, इसीलिए कौशल्या को परेशान कर रही होगी। उसने हल्के से गाल पे मारा होगा और ये नाटक करने लगी। अपने बाप की बेटी है ना, नाटक तो करेगी। उसने गाल नोचा। जो भी हो, झूठ बोलने में बिल्कुल अपने बाप पर गई है ये। क्या आप क्या कह रही थी? अगर मैं ना कहूँ तो मेरी बात सच हो जाएगी ना। क्या कह रही है? नहीं वो बात, मेरा दिमाग मत खाइए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कहीं दिया बुझ ना जाए, अगर बुझ गया तो पिताजी चिल्लाएंगे। बाप रे, गाल कितना लाल हो गया। सेठू अंकल ने उनका गाल नोचा। दोनों ने गाल नोचा? सेठू अंकल ने कौशल आंटी का गाल नोचा और कौशल आंटी ने मेरा। मैंने नाइट शो देखा था, मैटने भी शुरू हो गया। कौशल आंटी चोरी करती है। क्या चोरी करती है? चांदी का ग्लास, जग, मंदिर का दिया, काजू बादाम। तुम सच कह रही हो? मदर प्रॉमिस, सॉरी फादर प्रॉमिस। तुमने मुझे बता दिया ना, मैं देख लूंगा, उसे दिखाता हूँ मैं। वो जो प्रॉन्स थे ना, उन्हें हमने भेज दिया है। 50,000 जूते का कंसाइनमेंट इटली भेजने के लिए हमने उनसे वादा किया था। वेरी गुड। लेकिन हम भेज नहीं पाएंगे। क्यों? पैर में जूते पहनने के लिए जानवरों की हत्या करना पाप है, नॉर्थ इंडिया में सब लोग इसके खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं। क्या बात, वो भी एक पैर में रबर चप्पल पहनकर। इधर आओ, टीवी ऑन करके आती हूँ ना चाची। नाश्ते के बाद टीवी ऑन करना गुड़िया। भारती तुम्हें शौक लग सकता है, चलो आकर नाश्ता करो। आओ कौशल्या, टीवी ऑन करो जरा। मैंने, मुझे नहीं चाहिए, गर्म करो, इसीलिए डाल रहा था। हाय, नमस्ते, मैं भारतीय ब्रेकिंग न्यूज के साथ आई हूँ। हमारी स्पेशल करेस्पोंडेंट अवैशा मुखी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे लिए कुछ अजीब और गरीब खुलासे किए हैं। हमारी बोट क्लब रोड शनमुगप्रिया में पिछले कई दिनों से बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, और इनका लाइव वीडियो हमारी शनमुखी चाची ने बनाया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज सच्चाई पर से पर्दाफाश हो गया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, शनमुखी चाची। ए, तेरा ध्यान किधर है? वो मैं नहीं हूँ, कोई मेरी हमशक्ल है, ये जरूर इस चाची की चाल है साहब। नहीं नहीं, अभी आपने जो देखा वो सिर्फ सैंपल था, पूरा लिया तो वीडियो लाइब्रेरी भर जाएगी। What nonsense is this? भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। कौशी। क्या कौशी? कौशी कौशल्या, गरीब समझकर हमने तुम्हें काम दिया और तुम यही चोरी कर रही थी। तुम भी? क्या तुम भी? अगर हम घर वाले नहीं पूछेंगे तो क्या बाहर के लोग आकर पूछेंगे? अरे ये तो बैंडिट क्वीन लगती है। एक्सक्यूज मी। कौन? सेतू सर। हाँ बोलिए। मैं और भी वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन अनवक्त पर बैटरी ने धोखा दे दिया।
नहीं तो रात को। ए, रात को किस लिए? जो आपने निकाला है वो बहुत अच्छा है, आज तो इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। ए, तुम निकलो यहाँ से। तो उस रात टॉमी को आपने क्यों बांधा था? तो तुम रात में टॉमी को भी चुराना चाहती थी? भैया लगता है ये तो बहुत बड़ी चोरनी है, मैं ना तुम्हारी जैसी को। अरे रुको रुको, मारो मत। देखो ये कितने दयालु हैं, तुम समझोगे नहीं। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अरे निकलो, बात तो क्या हुआ? प्लेट, प्लेट की क्या जरूरत? आपने चोर पकड़वाया है, हाथों से ताली बजाइए। नहीं, आपकी कांख में प्लेट है। ये सॉरी, थैंक यू, मैं इसका हिसाब करके आता हूँ भैया। अरे तुम देख क्या रही हो, चलो मेरे साथ चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ऐसा काम इस घर में किया? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ, अभी जाओ। बहुत बहुत थैंक्स शनमुखी, इतने सालों से इस घर में चोरी हो रही थी और ये बात जानकर मुझे पता ही नहीं थी, तुमने एक हफ्ते में पता लगा लिया, पर कैसे? बहुत सिंपल है, अगर आप सबको हमेशा एक ही जैसा देखेंगे तो कौन अच्छा और कौन बुरा है कभी पता नहीं चलेगा, सबको अलग नजरिए से देखना चाहिए। पूजा भी आँख बंद करके नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझ पर भरोसा करो कौशी, अब चलो जाओ यहाँ से, अब दोबारा नजर नहीं आना, समझ गई? अगर आई तो नहीं छोड़ूंगा, हाथ पर काट डालूंगा। मैंने उसे भगा दिया, आजकल कौन अच्छा है और कौन बुरा है पता ही नहीं चलता, बहुत बदतमीज थी वो। आश्चर्य की बात है, मैं भी अभी यही कह रही थी। हाँ ठीक है भैया, जल्द ही एक अच्छा खाना बनाने वाले को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। फिर से खाना बनाने वाली ही क्यों, बनाने वाला क्यों नहीं, मैं इसलिए कह रही थी। नहीं आप कुछ मत बोलिए, बस दो दिनों में ही मैं खाना बनाने वाले को लेकर आऊंगा। तब तक खाएंगे क्या? क्यों पिताजी, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ क्या? पाँच साल तक उस घर में खाना बनाया है मैंने। हाँ तुमने पाँच साल तक जिसके लिए खाना बनाया वो नॉनवेज खाता था। शनमुखी तुम इसके साथ मिलके खाना पकाओ, हाँ, ताकि इसके खाने में नॉनवेज की बदबू ना आए। ए, क्या हुआ तुम्हें, जब देखो खीखी करके हंसती रहती हो बस। हर चीज के लिए खीखी मत हंसो। क्या सब्जी लेनी, तुम्हारे पिताजी को क्या पसंद है? मूली सांबर और बैंगन फ्राई खिलाएंगी तो पूरी जायदाद आपके नाम कर देंगे। देखो तुमने बैंगन का नाम लिया और बैंगन इधर है, क्या भाव दिए बैंगन? 20 रुपया पाओ चाची। बैंगन खरीदने के लिए जायदाद बेचनी पड़ेगी। तो और क्या करो चाची, आजकल हर चीज महंगी हो गई है। मूली कहाँ पर मिलेगी वो देखिए, जाकर उस दुकान में पूछिए। सुनो जानकी, तुम यहाँ से जो चाहिए ले लो, मैं वहाँ से मूली लेकर आती हूँ। ये बैंगन 2 किलो दे दीजिए। ओहो, सड़े हुए बैंगन क्यों डाल रही है, अच्छे वाले डालिए ना। है, खुद देख लीजिए, 2 किलो दे दूँ ना। मौसी 2 किलो बैंगन देना मुझे। ये क्या मैनर्स नहीं है क्या, एक औरत से टकराते हो? सुना मौसी, बिना मैनर्स के टकराया, ठीक है मैनर्स से टकराता हूँ। हाय मैडम, हाउ आर यू, क्या हुआ मैडम, आलू चाहिए क्या? ये लो, अच्छा बैंगन चाहिए ये लो, और कुछ? अरे यहाँ पर तो कीड़ा निकाल ले दो। अरे कैसी बातें कर रही है, कीड़ा लगा हुआ निकालना तो पड़ेगा ना मुझे, निकाल ले दो, ये यहाँ पे कीड़ा है। क्या चाची, बीच में ना आओ तुम। तुम इसका हाथ छोड़ो। अच्छा नहीं छोड़ूंगा तो हाथ छोड़ो, हाथ हटाओ। अरे बोला ना नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगी तू, जरा ये पकड़ो। चाची जाकर कार में बैठो और घर जाओ। चाची पर आप कैसे आएंगी, ये तो ये अपने दोस्तों को ही बुला रही है, बोलो ना तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, अगर कुछ हो गया तो। कर लो राजा, जल्दी आ रहे हैं। चाची मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मूली लाना भूलिएगा मत, ठीक है? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ चाची, संभल संभल के चाची। रुको ना, बच्ची को जाने दे, उसके जाते ही मैं छोड़ दूँगी। तुम जाओ। हाँ जा रही हूँ। टपोरी है, यहाँ का गुंडा है, तेरी माँ मिलेगी तो उससे पूछूंगी कि तुझे ऐसा क्यों मनाया, पूछूंगी कि इसको औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया, एक अकेली औरत को देखा तो तू कुछ भी करेगा। मैं भी एक औरत हूँ, हिम्मत तो छू कर दिखा ना मुझे। सुना क्या बोल रही है ये? औरत हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, चुपचाप निकल लो यहाँ से। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे, चलो जाओ जाओ। ए क्यों खड़ी है, चल जाओ यहाँ से। ए बुढ़िया ऐसे क्यों घूर रही है तो मुझे, चल जा। अबे कहाँ थे तुम लोग, उस बुढ़िया ने मेरी पूरी पैंट ही खराब कर दिया। तो उसके कपड़े खराब कर दूं क्या? अरे वैसा कुछ नहीं करना, बस जाके उससे थोड़ा बात करो। अरे नहीं, मुंह से बात मत करो, हाथों से बात करो। अगला कौन है? सिर्फ 4 लोग हैं, 5 होते तो अच्छा होता और मजा आता, लेकिन एक कम है। थैंक यू। वाह अच्छा चाची, मारो उसे।
अरे नहीं मौसी, मैं आपकी पार्टी से हूँ, हाथ मिलाइए। आप बहुत अच्छा फाइट करती हैं, औरत नहीं लगती हैं। वो आ रहा है। नहीं मुझे बता हाँ? रही है, मुझे मम्मी बुला रही है। हीरो बनने आया था, मार खा के छोटा बच्चा बन गया। ये क्या है? दिखता नहीं क्या? चाकू है। किस लिए? तेरे टुकड़े करने के लिए। तो मानना, सिर्फ दिखाने से क्या होगा? चल निकल ले। अभी देखने जाते हो? चाची, चाची सुपर। चाची नहीं, चाची जाने दो, गलती हो गई। और चाची, चाची चाची चाची, बहुत दर्द हो रहा है भैया। पहली बार किसी आदमी को एक औरत के हाथ से मार खाकर ऐसे बुरी तरह चिल्लाते हुए देख रहा हूँ। आप चुप रहिए, आपने इसका बदला भी नहीं लिया। अरे मेरा मतलब था, ऐसे आदमियों को भेजकर उसे मारना ठीक नहीं होगा, उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करने होंगे। कौशी तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिमाग लगाकर उस औरत को किसी न किसी तरह टपका ही दूंगा। थैंक्स। नौकरानी को थैंक्स क्यों? थैंक्स कॉफी के लिए नहीं था। तब किस लिए था? थैंक्स कहने के हजार रीजन हो सकते हैं। जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुमने बच्ची को जलने से बचा लिया, उसके बाद इस घर में इतने दिनों से जो चोरियां चल रही थी हम लोग उसे पकड़ ही नहीं पाए और तुमने पकड़ लिया, और बिन बाप की बच्ची का तुम प्यार से देखभाल कर रही हो। और इसके अलावा कल तुमने गुंडों से भरे बाजार में जानकी की जान भी तो बचाई, जो छोटी बात नहीं है, और पूरी दुनिया जानती है कि जानकी मेरी जान है। अरे माँ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरी छाती में थोड़ा सा। मेरी और जानकी की माँ की शादी के एक साल के बाद जानकी पैदा हुई। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? छाती में दर्द कर रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जानकी जानकी जानकी, come on, very good, जानकी जानकी, चलो बॉल पास करो। आ ओ मां, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बॉल पास कर। आ ओ ओ, एक मिनट। बहुत बढ़िया। चल जाता हूँ किसी की धुन में। कहते हैं कोई अकेला ब्राह्मण सामने नहीं आना चाहिए, और ये तो सामने उल्टा लटक के आ रहा है। चाची चाची, मुझे उस तरफ जाना है, आप मुझे उल्टी तरफ ले जा रही हो। अरे मुझे तो यमराज अपनी आंखों में दिख रहा है। चाची यार गाड़ी रोक के। आप हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी को आप हिला नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुनियाद बहुत मजबूत है। अरे क्या पागल हो गया, दिखाई नहीं देता? हमारा लक्ष्य अनोखा है, हमें कोई भी नहीं गिरा सकता, हमें कोई नहीं हिला सकता। रोको रोको गाड़ी को। वो औरत कौन है? गाड़ी बहुत अच्छा चलाती है। ब्राह्मण परिवार की लगती है सर। वो सिर्फ चाची नहीं है, फरिश्ता है। मेरी बात मानो, अगर तुम्हें थैंक्स बोलना है तो इन्हें थैंक्स बोलो। अंकल अगर मैंने आपको बताया ना कि जरा आ कीजिए कि ये यहाँ आपको कैसे लेकर आई है, तो आपको पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। चाची आप तो सुपर लेडी है,
अंकल ये अकेले ही आपको अपने हाथों में उठाकर यहाँ तक अस्पताल में लेकर आई। अगर आप ओलंपिक में गई होती तो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के अंदर तो आप पक्का इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवा ही देती चाची। वैसे अंकल आज अगर आप जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी मेहरबानी से। अब तो भैया ठीक हो गए ना, आप उनकी तारीफ क्यों किए जा रहे हैं? तुम्हें क्यों जलन हो रही है, मुंह बंद करो। मुझे जलन नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। चुप हो जाता हूँ। शर्मुखी मालिक आप बड़े हैं, आप हाथ मत जोड़िए। चाची नहीं, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आप नहीं होती तो पिताजी। चाची उसे छोड़िए, बेकार में आपने उसे रुला दिया। डॉक्टर भैया को आप कब रिलीज करने वाले हैं? ये कोई पुरानी फिल्म या कैदी थोड़ी है जो इनको रिलीज करेंगे। डिस्चार्ज कब करेंगे ऐसा पूछो। मतलब आप चार्ज नहीं करेंगे तो इन्हें कब डिस्चार्ज करेंगे ये बता दीजिए। अरे दिमाग से पैदल, ही इज ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड। चाची इन्हें उठाकर आप घर ले जाइए। यहाँ इतने लोग हैं फिर भी आप चाची चाची क्यों कर रहे हो? बेवकूफ तू अपना मुंह बंद कर, समझा? अंकल खुद चलकर घर जाएंगे। अंकल चलिए उठिए। नाना जी थाली में पैसे डालिए। हाँ, शर्मुखी ने हमारी जितनी मदद की है उसके बदले इस घर की चाबियां डाल दो थाली में। उसकी जरूरत नहीं भैया, चाबी के बदले में ये लीजिए एक रुपया, मैंने डाल दिया। थैंक्स। आप पायजामे कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उस जमाने में मैं ज्यादातर पायजामा कुर्ता ही पहनता। भैया क्या हुआ? बहुत देर हो रही है, हम लोग अंदर चले क्या? चाची अब देख क्या रही है, इसे बाहर ले जाकर फेंक दीजिए, बहुत बकबक करती है यह बुढ़िया। शनमुखी मेरी पत्नी के जाने के बाद आज तक मैंने किसी औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखी, लेकिन आज क्या बात है, भगवान का आशीर्वाद, मेरी पत्नी ने भी हाँ कह दिया। शनमुखी अब मेरी पत्नी की जगह सिर्फ तुम ही ले सकती हो। ये क्या हो रहा है? आप जब भी यहाँ आती हैं पता नहीं कैसे हम टकरा जाते हैं, लगता है हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। I'm very sorry. आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? मैं ही तो आपसे टकराया था। I'm very sorry, कनगी। कनगी कौन? आपका नाम कनगी ही तो है ना? अरे नहीं अवई शनमुखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप मेरे दिल में बसी हो लेकिन नाम दिल में नहीं समाता। ठीक है जाओ, पांडियन ऊपर आपका वेट कर रहा है। ये क्या बक रहे हो? टेंशन में आ गई तुम? जब भी तुम आती हो मैं कहता हूँ पांडियन नहीं है तो तुम कहती थी पता है। कैसे पता है? ये पूछने पे बताती थी कि तुमने ही मुझे बताया, इसलिए मैंने उल्टा बोल के तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। जाओ आराम से खाना बनाओ, पांडियन अभी तक आया नहीं है। जानती हूँ। कैसे? आप ही ने बताया। फिर से मुझे बेवकूफ बना दिया। चाची सीढ़ी पे चढ़ती वक्त अच्छी लगती है, उतरती वक्त भी अच्छी लगती है, आगे का हुलिया भी ठीक है, पीछे का हुलिया भी ठीक है, इनके आने से घर में रौनक आ गई है, लगता है जमीन का दाम बढ़ने वाला है। कौन है? वन मिनट। अरे यार पांडियन। अरे यार पांडियन क्या? मैंने कहा ये तो पांडियन है। अरे रे अरे रे पांडियन हो गया मैं। अरे रे आप उन्हें अंदर बंद कर रहे हो। किसे? शनमुखी को। वो बाहर गई है। शनमुखी? अरे बाहर चली गई। शनमुखी शनमुखी ऐसे कैसे जा सकती है? मैं तो यहाँ सीढ़ियों पे खड़ा था, ऐसे कैसे चली गई? अरे मुदली यार वो बड़ी कहानी है। क्या यार कहानी है? आपने शनमुखी को अंदर जाते हुए देखा होगा, लेकिन जब मैं आया वो आपने नहीं देखा। मैंने शनमुखी को देखा, वो बाहर गई और उसे जाते हुए आपने नहीं देखा। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं। आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया, चलो जाने दो। अच्छा हुआ कि शनमुखी अभी घर में नहीं है। कैसे है? मुझे बाहर जाना है। आपको क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। क्या भाड़ा बढ़ाना है? भाड़े की बात नहीं पांडियन, ये घर में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। हा? मेरी बीवी को मरे 20 साल हो गए, 20 सालों से मैंने कभी किसी औरत के साथ इश्क लड़ाया है क्या? ऐसा लगता है
ये मैंने पहले भी कहीं सुना है। वो हॉर्न था, उसे तुम रोज सुनते हो। हॉर्न नहीं है मुदलियार। नहीं है, 1000 सपने मेरे दिल में है। आपका दिल भी है क्या? क्यों, मेरा दिल नहीं है क्या? आप नहीं समझोगे। जब भी मैं शनमुखी को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी मरी हुई पत्नी फिर से जिंदा होकर वापस आ गई है। वही चाल, वही आदत, क्या हुआ? रिपीट टेलीकास्ट। देखो मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम ही हम दोनों को मिलवाओगे। आई बात समझ में? ओफो, ऐसी बातें मत कीजिए मुदलियार। शनमुखी सुनेगी तो दुखी होगी। नहीं होगी, शनमुखी को भी मेरे लिए वो है। क्या है? ये क्या है बताओ? हिंग का डिब्बा है। ये क्या है? फूल है। कौन सा फूल? गुलाब का फूल। कैसा गुलाब? अब ये रास्ते में क्या मजाक लगा रखी है आपने? प्यार का गुलाब है। रोज जब वो सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाती है तो मुझसे टकराती है। हाँ? और उसने खुद ये फूल मेरे ऊपर फेंका था। ओफो, ये आपके ऊपर गिर गया। मुदलियार देखिए, अभी आप रोड पर पैदल चल रहे, ठीक है? नहीं तो मैं तो खड़ा हूँ। आप सोचिए कि आप पैदल चल रहे हैं, ठीक है? ऊपर से कौवा गिराता है। सोचो कि गिराता है। सोच लिया तो कौवे से प्यार करोगे क्या? नहीं ना, कौवा को ऊपर से गिराना और शनमुखी के मेरे ऊपर फूल फेंकना दोनों एक ही बात है क्या? मुदलियार बिना समझे कुछ भी मत बको। इस फूल को फेंकने की वजह थी उस विश्वनाथ पर गुस्सा। ये विश्वनाथ कौन है? विश्वनाथ है यार, वो जो है ना वो उसका प्रेमी है। नहीं नहीं, पति है। उसका पति है? हाँ, आपने उसकी पायल की आवाज सुनी होगी ना, वो शादीशुदा हो ही नहीं सकता, उसके गले में मंगलसूत्र है ही अरे नहीं। बस नंबर की तरह सबको दिखाने के लिए थोड़ी पहनेगी, वो पहनती है ब्लाउज के अंदर ऐसे। उसका पति दिखाई देता है या नहीं? आप उसे ढूंढ रहे थे क्या? वो तीर्थ यात्रा पर निकल गया। निकल गया ना? हाँ। फिर तो विलन खुद ब खुद चला गया। वो वापस आएगा मुदलियार, रिटर्न टिकट के साथ गया। तुम्हें मुझे कोई रास्ता बताओ। कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। देखो पंडियन, अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम कुछ ना कुछ करके हम दोनों को मिलवा दो यार, प्लीज। ए कृष्णा, भाड़ा क्या हुआ? अबे कौन सा भाड़ा? चलता हूँ यार, मैं जाके कलेक्शन करके आता हूँ। तुम कोई उपाय निकाल के हम दोनों को मिलवा दो ना पंडियन, ठीक है? ए कृष्णा रुक रे। अरे उल्लू का पट्टा। अरे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, कचरा कौन फेंक रहा है? कचरा नहीं, गुलाब का फूल है भाई। भाई मेरे दोस्त पांडियन। ये क्या अनर्थ है भाई, तुम झाड़ू लगा रहे हो? झाड़ू ही लगा रहा ना, आबादी तो नहीं बढ़ा रहा हूँ। जो भी हो, तुम सैम को होटल के मास्टर हो तो भाई। क्या हुआ, हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है, ये भी अपना ही होटल है। तुमने ये होटल खरीद लिया क्या? लेकिन यहाँ तो रामविलास होटल लिखा है। अरे वो नाम में क्या क्या देखता है भाई। पांडियन, इस भाई को होटल में काम मैंने लगवाया। एक मिनट रुको, भाई को तुमने काम पर लगाया? अरे रुको ना भाई, भाई के मास्टर की नौकरी चली गई। भाई इसे बोलने दो, इनकी नौकरी कैसे गई? तुम ही पूछ रहे हो, तुम्हारी वजह से ही गई है। भाई पास कर से। हाँ, तुम्हारी जमानत के लिए 5000 रुपए दिए थे ना, इससे पूछो कहाँ से लाया था। पूछो पूछो क्या हुआ था भाई। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम इधर आओ। तुम्हें जमानत देने के लिए 5000 की जरूरत थी ना, बैठो। मैंने गले में हाथ मार दिया। गले से पैसे निकाले तो फिर फंस गया। अरे यार, निकालते समय फंसता तो चलता, लेकिन पैसे वापस रखते समय फंस गया मैं। अरे इस वक्त तुम सच्चाई बता देते ना। किसी ने नहीं सुनी, सब चोर चोर चिल्लाने लगे, मुझे भागना पड़े, मेरी तकदीर खराब थी। मैं जिधर भी गया वहाँ वेज होटल थे, मुझे किसी ने भी नौकरी नहीं दी। इसलिए यहाँ ग्लास धोता हूँ, झाड़ू मारता हूँ और गुजारा कर लेता हूँ। आई एम सॉरी भाई। वो सब छोड़ो यार, देखो पांडियन, मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा है। तुम मुझे फिल्म में चांस दिला दोगे तो मैं धीरे धीरे किसी तरह से चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। शुरू हो गए, गले में हाथ डालना काफी नहीं था जो खजाने में हाथ डालना चाहते हो? तुम्हें एक्टिंग करनी है ना। हाँ यार, एक ही पत्थर से दो आम। कमाल का टाइटल, एक पत्थर से दो आम। एक आम तो मैं हूँ, दूसरा कौन है? दोनों तुम ही हो भाई। डबल रोल कैरेक्टर क्या है? कुक का कैरेक्टर है। वहाँ भी यही काम है? उधर नहीं, मेरी ससुराल में। तो इस बार तुम मेरी जमानत कराओगे? मेरी ससुराल में? हाँ फिर तो ठीक है। अरे यार, वो तो ब्राह्मण का घर है, मैं वहाँ कैसे करूँगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है ठीक है, उस ब्राह्मण के घर में तुम ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बनकर जाता हूँ। वहाँ शनमुखी चाची नाम की एक औरत होगी। वहाँ शनमुखी चाची नाम की एक औरत होगी। ये क्या कृषि दर्शन है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो, कहा था सुनकर बोलने के लिए नहीं कहा था। उस शनमुखी चाची को तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा, जाते ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वो मेरी पहचान की है क्या? मैंने कहा ना, मेरी पहचान वाली है। ठीक है, देखो ब्राह्मण बनकर चला तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ मैं ब्राह्मण की भाषा कैसे बोलूंगा? तो बोलने की क्या जरूरत है? बाबा बाबू। ये क्या कह रहा है? बाबा बाबू। ओ बाबू हो तुम, न्यूमरोलॉजी के लिए बाबा बाबू रखे हो। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि इसका नाम नहीं है, बेचारा पैदाइशी गूंगा है। एक्सीडेंट में तुमने अपनी आवाज खो दी थी ना? हाँ हाँ, कहता है उसी वक्त इसने आवाज खोई थी। 20 साल की उम्र में इसका एक्सीडेंट हुआ था। 20 साल की उम्र में इसकी आवाज गई तो ये पैदाइशी गूंगा कैसे हुआ? ये पैदाइशी गूंगा है, लेकिन उस वक्त थोड़ा बहुत बोलता था, पर एक्सीडेंट में तुम्हारी पूरी आवाज चली गई ना। ओहो। भाई तुम्हारा नाम क्या है? बाचा। बाशा? पर ये तो मुस्लिम नाम है ना? बाशा ही है। बेंगलुरु शनोगम।
और शॉर्ट में इसने बादशाह रखा, यही बात है ना चाची? तुम्हारे पिताजी कहाँ है? तुम्हारे पिताजी भाग गए? बादशाह तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रहा है कि पिताजी अब जिंदा नहीं है, है ना? बेचारा गूंगा है ना? देखा, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इसका मुंह बंद किया लेकिन हाथ खोल दिया। इसका हाथ खोल दिया तो ये कुछ भी कर सकता है, हट्टा कट्टा है। अरे चुप कर रहेंगे। हाथ खोल दिए मतलब अच्छा खाना बनाता है। अच्छा खाना के बारे में बात करिए आप, वो कौशी भी कितना अच्छा खाना बनाती थी। बोला ना चुप करो। मतलब वो चोरी कर रही थी, उसी तरह इसने भी कुछ चोरी की तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बॉय। बादशाह तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बॉय गर्ल होते हैं ना इंग्लिश में, इनका यही कहना है गुड बॉय, वी नीड डिसिप्लिन। अच्छा ये सब जाने दो, तुम वेद और उपनिषद जानते हो? क्या बोल रहे हो? वो यहाँ खाना पकाने आया है, वेद उपनिषद पढ़ने पढ़ाने आया है, इन सब की जरूरत नहीं है। भैया हमारा घर थोड़ा पंडित के घर जैसा है ना, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा ये सब जाने दीजिए, सुबह शाम की पूजा जानते हो? वो भी छोड़ो, एटलीस्ट तुम गायत्री मंत्र तो पक्का जानते होगे, वो बोलो। बोलो भैया, ये तो बहुत अच्छी तरह जानता है। भर्गो देवस्य धीमहि। जीते रहो भाषा भैया, चाहे ये गूंगा हो लेकिन मंत्र अच्छा पढ़ता है। अरे बस 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 बस, एक मंत्र काफी है, 1008 बोलने की क्या जरूरत है, आज थोड़ी ना पूजा है। बहुत अच्छा लड़का है। बस बस, अगर आपने हाँ कह दी तो ये आज से ही काम पर लगने के लिए तैयार है। शनमुखी, इस घर के मामले में तुम जो भी फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं जानता हूँ कि तुम इस घर के लिए सिर्फ अच्छा फैसला ही करोगी। बस चाची। शनमुगम जा। बादशाह चाची बुला रही हैं। हो बोल रही है। मंत्र पढ़ना बंद करो। ये जा रहा है कह रहा है। ओ ऐसी बात है, सब एक ही जैसा बोलता है। बादशाह सेतुराम के साथ ज्यादा बात मत करना, वो तुम्हारे मुझसे सब उगलवा लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची, मैं यहाँ आपके और पांडियन के भरोसे ही आया हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप दोनों ही उसके जिम्मेदार होंगे। दोनों की जरूरत नहीं है, मैं अकेली काफी हूँ। ये किचन देख लो। ये तो शाम को होटल के किचन से भी मस्त है। इस तरह कुछ भी बकदोगे इसलिए पांडियन ने तुम्हें गूंगा बनाकर भेजा। तुम गूंगे हो, मैं बात करूंगी। अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही है। मैं गूंगे से बात कर रही हूँ, नया खाना बनाने वाला आया है ना। ये पांडियन की बीवी है ना। तुमने मुझे बुलाया? चाची मैं टॉवल लेना भूल गई हूँ, अंदर कबर्ट में है, निकाल कर देंगी प्लीज? क्या टॉवल? अच्छा टॉवल। हाँ टॉवल, दरवाजा बंद कीजिए। क्या हुआ चाची, कोई भूत भूत देख लिया क्या? देखकर बहुत दिन हो गए। क्या बोली? नहीं मैं बहुत देर से नहा रही हूँ ना, सर्दी लग जाएगी कह रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, दो दिन से मलेरिया की तरह बहुत ठंड लग रही है। ओह। बापरे कितनी टाइट है। चाची आपका क्या साइज है? 40 सी। बापरे बस नंबर जैसा लगता है। आउच। चाची थोड़ी मदद कर दीजिए ना प्लीज। वहां क्या खड़ी है, मैं आपसे ही कह रही हूँ मदद कर दीजिए ना। काफी है, ये थोड़ी ना मंगलसूत्र है।
हाँ इसे वहां रख दीजिए, वो माला ठीक से डालिए। हाँ आप वहां जाइए, अरे वहां जाइए, वहां जाइए। हाँ अरे मेरा हाथ तुम्हें दिखाई नहीं देता। हाय जानकी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ये क्या जानकी, अब तक नाइटी में घूम रही हो? जल्दी से साड़ी पहन कर आओ, पूजा में नहीं बैठना। आती हूँ चाची। ये सब क्या हो रहा है? पूजा है। कौन सी पूजा? वर लक्ष्मी व्रत की। वर लक्ष्मी, ये क्या होती है? हे भगवान, तुम एक ब्राह्मण के घर पैदा होकर वर लक्ष्मी व्रत क्या होता है पूछ रही हो? शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और सुमंगल पूजा करती हैं। ये सब तुमने नहीं किया, तुम नहीं जानती? मैं जानती हूँ चाची, लेकिन ये सब मेरे लिए नहीं है ना, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने सोचा तुम भी औरत हो इसलिए तुम्हारे लिए ये सब अरेंज किया। अगर तुम अकेली रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं उन्हें जाने के लिए कह देती हूँ। रुकी रुकी, रहने दीजिए, उनके पति की सेहत अच्छी रहे इसलिए वो हमारे घर में पूजा कर रही है, ये तो पुण्य का काम है ना। तुम कहाँ जा रही हो? आपने ही बुलाया ना सबको, साड़ी पहनकर आती हूँ। तुम यहाँ डांस कर रही हो, वहाँ सब लोग वर लक्ष्मी व्रत के लिए तैयारी कर रहे हैं और तुम रुक रुक में डांस कर रही हो। चलो वहाँ। नहीं मैं नहीं आऊंगी, पहले टीवी ऑन कीजिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कोई रीति रिवाज सिखाया नहीं है, बिगाड़ के रख दिया। चलो मेरे साथ वहाँ पर। मैं नहीं आऊंगी। क्या कहा? मेरी बात नहीं सुनोगी? नहीं सुनोगी मेरी बात? जब देखो डांस करती रहती है। चलो। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। पान और सुपारी कहाँ है? शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। फूल दो। बहुत अच्छे, तुम तो बड़े होशियार लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? बेचारा पैदाइशी गूंगा है। शनमुखी, मैं तैयार हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? आप में क्या कमी है, आप बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें पसंद आया? आप कब आए आंटी? बस अभी आए हैं, सब ठीक है। मम्मी ने मारा। जानकी हाँ? क्या किया ये, क्यों रो रही है? क्या किया इसी से पूछिए ना। आप मेरे साथ आइए। हाँ आती हूँ। क्या किया तुमने? रुक रुक रुक, गाना चल रहा था, मम्मी ने आके टीवी बंद कर दिया। ठीक है, तुम्हें गाना सुनाना, अभी इधर गाना गाने वाले। नहीं वो बहुत बोरिंग होता है, मुझे रुक रुक सुनना है। ठीक है चुप चुप। सुबलक्ष्मी गाना गाने आने वाली थी पर वो आई नहीं। मुझे तो गाना गाना नहीं आता, तुम में से किसी को आता है तो प्लीज गाओ ना। आपको आता है ना? तो मैं आती, तुम गा सकती हो? अरे गा तुम, आप गाइए ना। सब बात करते रहेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, कोई गाइए ना। गाइए ना ही तो। अरे 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 रे, बादशाह क्या हुआ तुम्हें? और तो देखते ही गाना गाने लगोगे। तुम बोल नहीं सकते और कहते हो गाना गाओगे, जरा चुप रहो। षणमुखी तुम ही गाओ ना। चाची गाइए ना। गाओ षणमुखी गाओ। पापा रुक रुक रुक, गाना गाना। चाची कौन सा स्केल दूं? पांच। रुक रुक रुको, अरे बाबा रुको, ओ मैदानिंग। चाची प्यारी जानू क्यों मियलुक, रुक 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 अरे बाबा रुक, वो मैं जानू क्यों मियलुक, रुक रुक रुक। बीच दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के किसी पुराने सिंगर का गाना है क्या? समझ में आया तो अच्छा लगेगा। इस पर लगाइए। मुझे लगा अलवीरा खोलकर ये बिंदी लगानी पड़ेगी। कहते हैं एक औरत के मन को दूसरी औरत ही समझती है। ऐसी कोई बात नहीं है चाची, मुझे फूल और बिंदी पसंद है इसलिए मैंने लगाने को कहा। आप ये मत समझिएगा कि मैंने ये उसकी वजह से कहा है, हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। हम्म,
शनमुखी आपने मुझे आवाज दी, जरा ऊपर आना। जी अभी आई। आओ शनमुखी आओ। जानकी को समझाने के लिए तुमने जो गाना गाया था वो बहुत ही अच्छा था। पता नहीं जानकी समझी या ना समझी, पर मैं समझ गया। जानकी अभी बच्ची है, अब ये बात आप समझते हैं ये काफी है। आप चाहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। मैं तो हमेशा से ही चाहता था। वो भी तुमने क्या गाया था, वो 50 से 60 की उम्र में प्यार होता है, मतलब उम्र चाहे कितनी भी हो एक आदमी को एक औरत की जरूरत होती है ना। मैंने कहा एक औरत को एक पति, दोनों एक ही तो बात है। क्या मुझे इतना भी समझ में नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गाने के जरिए जानकी से बात कर रही थी, आपने क्रॉस टॉक में कुछ गलत समझ लिया। मैं साफ साफ कह देता हूँ ये कभी नहीं होगा, चांस ही नहीं। क्या हुआ शनमुखी? मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम टेंशन में क्यों शनमुखी? देखिए अगर कोई मर्द आपसे शादी करना चाहे तो आपको कैसा लगेगा ये सही नहीं है। मैंने मुदलियार से जो कहा था वो बता दे। मुदलियार कौन है? मेरा मतलब जो आपको पहली बार बताया वही बताती हूँ। पहले भी मुझसे कई लोगों ने ये पूछा और मैंने सबको वही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मेरी शादी हो चुकी है। आपकी जैसी बीवी है वैसा ही मेरा भी पति है। किधर है वो? वो कहीं तो है, आज से 10 साल पहले वो तीर्थ यात्रा पर गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उस वक्त मैं कहाँ से बोलती, आपने बोलने ही नहीं दिया। हाथ में गुलाब का फूल लग दिया आपने तो मैं क्या करती। वो सब तो ठीक है, लेकिन 10 साल पहले जो आदमी तुम्हें छोड़ के चला गया क्या वो वापस आएगा? अगर आ गए तो शनमुखी अगर वो वापस आ भी जाता है तो मैं तुम्हारा डाइवोर्स करवा दूंगा। आपको कोई और काम नहीं है क्या? आपको एक बेटी हो काफी नहीं है? देखिए हाथ में 5 उंगलियां होती है, उनमें अलग अलग अंगूठियां डाल सकते हो, लेकिन गला एक ही होता है, उसमें एक ही बार मंगलसूत्र डलता है, शादी एक ही बार होती है। शनमुखी अभी तुम थोड़ा गुस्से में हो तो हम इस बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। हे भगवान, आप जवाब के लिए वेट कीजिए, मैं इनका वेट करूंगी। आज मैं तुम कौन हो ये पता लगाकर ही रहूंगा। करो जल्दी। हाँ। अरे रुको रुको, औरत का पीछा करने के लिए कहा था और तुम ऑटो का पीछा कर रहे हो। भैया जी हमारा पैसा, डिलीवरी के लिए औरतों को फ्री ले जाते हो, इमरजेंसी में नहीं ले जा सकते। ए बाकी के पैसे क्या?
अरे तुझे भी मेरे ऊपर ही गिरना था। क्या भाई कैसे हो, धंधा पानी सब ठीक चल रहा है ना? शनमुखी आप पैदल जा रही हैं? हाँ। आप घर ही जा रही है ना, आइए साइकिल रिक्शा चलते हैं। नहीं, 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 नहीं। आपको शर्म लग रहा है तो आप रिक्शा में बैठ जाइए, मैं दौड़ के आ जाऊंगा। नहीं जरूरत नहीं मदली यार, आइए बात करते हैं चलते, मुझे आपसे बात करनी है। बात कीजिए ना। उस दिन आपने मुझे फूल दिया था ना? नहीं मैंने नहीं दिया। आपने पांडियन को दिया था ना? ओ समझ गया समझ गया, आप कहना चाहती है फूल देना है तो खुद आके देना चाहिए, बीच में ब्रोकर रखने की क्या जरूरत है। रुकिए मैं फूल लेके आता हूँ। क्या हुआ मदली यार? आपने जैसे मुझे छुआ मुझे वीणा की आवाज सुनाई दी, आपने बजाया? मैंने ना तो वीणा बजाई और ना ही आप मुझे फूल दे सकते हो। क्या? ओ अरे बाप रे बाप, तुम्हारे पति का नाम क्या है? विश्वनाथ अय्यर, वो मर गया क्या? तुम विंडो हो गए तो भी परवाह नहीं, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। विंडो भी बन जाओ। हाँ विधवा। अरे उसे विंडो कहते हैं मदली यार। अरे उसे चाहे जो कुछ भी कहते हैं, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। वो भी नहीं दे पाओगे। क्यों? बीच में एक और आदमी आ गया। कौन है वो? उधर देखो, जब हम उसे देखते हैं तो आसमान को देखने लगता है, उसने कान में फूल लगा रखे। वही फूल देने के लिए बोल रहा है? आप पिंक के डब्बे में रखकर मेरा पीछा करें और वो कान में लगाकर पीछा करें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से घर जाइए, गुलाब का फूल बड़ा या चमेली का आज पता चल जाएगा, मैं उसके फूल लगे हुए कान को काट दूंगा। कान काटने के तुरंत बाद ही थूक दीजिए, उसके कान में बहुत बाल है। इतने ज्यादा? इसमें भी मैं ही बड़ा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अलग टेक्निक से दफनाऊंगा। अब आप जाइए। थैंक्स। सुनिए आपके साथ जो औरत थी वो कहाँ गई? औरत? हाँ हाँ चाची, चाची शनमुखी। हाँ हाँ वही, आप भी उसे जानते हैं, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरे सामने ही है। सामने आए तुम? हाँ। और देने आया मैं? हाँ। चूरन नालायक। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे आप लोग मुझे मार रहे हैं? अरे क्या हुआ? अरे एरिया में आके लड़की को छोड़ दिया। अरे अरे नहीं, अरे अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे कार में फूल लगा के अपनी प्रेमिका को देने के लिए आया था? अरे रुक 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 रुक, आज मैं तेरा कान काट के ही छोड़ूंगा। अरे अरे मैं कहाँ हूँ? चलो ठीक से खड़ा रहे। कितना है? एक। सही दिख रहा है ना? ये दो। ये तीन। आपकी तो उंगली सूजी हुई है। तुझे सबसे ज्यादा मैंने ही मारा ना? अभी भी तू होश में है? हाँ मैं होश में हूँ। ये कहता है ये होश में मारो। रुको 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 रुको, अरे मत मारो, मत मारो। जा, रुक जा। होश में लाकर क्यों मार रहे हो मुझे? तुम बेहोश होगे तो दर्द होगा क्या? अरे वो कैसे होगा? इसीलिए तुम्हें होश में लाके मार रहे। मारो। अरे 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 मत मारो। अरे अरे मारो। अरे अरे रुको। अरे तब तक मारो जब तक इसको होश ठिकाने ना आए। अरे बचाओ। अरे तुम अभी फ्री हो क्या? तुम भी इसे मारो। मारो। पांडियन तुम सही वक्त पर आए मेरे भाई। पांडियन तुम इसे जानते हो? ये मुझे जानता है पांडियन। मैं बात करता हूँ, मेरे बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। वापस मारना बंद करो। अगर वो आकर कहे कि मारो तब तुम लोग मारना, बातचीत के समय मारपीट ठीक नहीं होती। हाँ पांडियन कौन है ये? वो बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे? तुम बताओ मैं विश्वास करूंगा। शनमुखी का पति है। विश्वास नहीं होता? देखा ना, पहले कहा विश्वास करोगे और अब पलटी मार रहे हो, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विश्वास करूंगा, तुम बोलो। शनमुखी का पति सेतुराम अय्यर वापस आ गया। लेकिन तुमने तो उस दिन विश्वनाथ अय्यर बोला था। मैंने वो बता दिया। हाँ। था। दो नाम। दो पति है? दो नाम, सेतुराम विश्वनाथ अय्यर उसका पूरा नाम है। उसे छोटा करने के लिए उसका आप विश्वास नहीं कर रहे। सेतुराम अय्यर? हाँ? विश्वनाथ अय्यर, सेतुराम अय्यर, दोनों नाम मैं जानता हूँ ना। अरे तुम क्या नहीं जानते हो पांडियन, शादी के बाद किसी को अलग करना गलत होता है। मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बस बस स्टॉप, जब सवाल पूछा जाए तभी जवाब देना, इतना काफी मतलब यार। वो शनमुखी को छोड़कर चला गया था, लेकिन उसका मन पलट गया और वो वापस आ गया। आप शनमुखी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। उसका पति आ गया तो मेरा लव फेलियर हो गया? हाँ जो भी मुक्त लिया, लेकिन शनमुखी अब किसी और के कान की जमेली, बेहतर होगा आप उसे भूल जाइए। चाहे कुछ भी, मैं मरते दम तक शनमुखी को नहीं भूल पा पांडियन। कृष्णा ने आपको कितने दिन से भाड़ा नहीं दिया? यही कुछ 6 महीनों से। क्यों पूछ रहे हो? उसे उस तरफ जाते हुए देखा। रुक रे, मैं चलता हूँ। जाइए कृष्णा। रुक, मैं आ रहा हूँ। चलिए हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, आप पुलिस को क्यों फोन कर रहे हो? इस आदमी को पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? शनमुखी पुलिस स्टेशन कैसे आएगी? उसे वहां आने की क्या जरूरत? जो कृष्णा कृष्णा चलाते जा रहा था ना, वही शनमुखी का पति है। ये उसका पति? हाँ। पहले तुमने चिलप्पा यार बोला था और अब तुम उसे मुदले यार कहकर। वो भी बताता हूँ। चिलप्पा जिंदगी से परेशान होकर मुदले यार में कन्वर्ट हो गया। शनमुखी की कमजोरी कितने सारे मर्द हैं, यहाँ पर मुदलियार और वहाँ पर तुम्हारे ससुर। हाँ। जब देखो तुम्हारे ससुर जी उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। हाँ। घर की चाबियां तक उसके हाथ में जाने की नौबत आ चुकी थी। पांडियन क्या हुआ? मेरी प्रेमिका। हाँ। वो खाना बनाने वाली कौशल्या को उन्होंने घर से भगा दिया। वो तो मैं जानता हूँ। कैसे? आपने अभी बताया। हाँ।
उसी तरह शनमुखी की बात सुनकर एक दिन वो मुझे भी घर से भगाने वाले। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये जो मुदलियार है ना, ये असल में शनमुखी का पति है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ये बात विश्वनाथ अय्यर के कान में डालिए शनमुखी कट, फिर आप ही की चलेगी। कौशिक को लाइए और जो करना वो कीजिए। लेकिन चोरी के बारे में आप कैसे जानते हैं? वीडियो में देखा था। अच्छा, मीडिया वालों को भी पता चल गया। लगता है अब सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी सब में आएगा। यार टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाकर विश्वनाथ जी को बताइए शनमुखी का पति वापस आ गया। इस मोबाइल पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ वो वापस आ गया। ये कोई देवता जिस पे हाथ रख के कसम खा रहा है? आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने ये क्या हुआ? वो शनमुखी का पति मुदलियार है ना, बहुत खतरनाक। शनमुखी का पति तो चेलप्पा है ना, तो तुम अय्यर को मुदलियार कैसे कह सकते हो? मैं सही कह रहा हूँ भैया, देखिए वो मुदलियार ही है। चेलप्पा अय्यर कन्वर्ट होकर मुदलियार बन गया। भैया वो मुदलियार अच्छा आदमी नहीं है, उसका एक एक हाथ मुझे हथियार के जैसा लगा। उसने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत चोट लगी, लेकिन आपका मोबाइल बिल्कुल सही सलामत है। ठीक है भैया, उसी वक्त पांड्यान है और मैं बच गया। पांड्यान सच में बहुत महान है। पांड्यान वहाँ क्या कर रहा था? पांड्यान बस ऐसे ही आ गया, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि इसे कारण बनाकर हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम्हारे और शनमुखी के पति के बीच में क्या हुआ? शनमुखी का पीछा करते उसने देख लिया। तुम उसके पीछे क्यों गए? सब लोग गए इसीलिए मैं भी गया भैया, लेकिन उस कमीने ने किसी को नहीं मारा, सिर्फ मुझे ही बहुत मारा। भैया ये जो शनमुखी है ना वो, अरे आइए चाची। कैसी हो बेटा? आ जाओ भैया। आप बच्चे के लिए गहने लेने का प्लान कर रहे थे ना? हाँ। वही मैं कहने वाला था और मैंने कह दिया। आपके माथे पर क्या? मैं रोज विभूति और कुमकुम लगाता हूँ। नहीं, प्लास्टर लगा हुआ है। बेवकूफ हूँ, इसीलिए प्लास्टर है। भैया मैं गाड़ी रेडी करता हूँ। शनमुखी तुम भी हमारे साथ चल रही हो? मैं क्यों बच्चे के? अरे रे, तुम भी परिवार का एक हिस्सा हो अब। तैयार हूँ। हाँ आता हूँ, घर के हर अच्छे बुरे काम में तुम्हें शामिल होना होगा। तुम इस तरह हंसोगी तो सबको राज पता चल जाएगा, समझी? मेरे पापा का राज तो साड़ी के अंदर है। चोली के पीछे डैडी, डैडी के पीछे डैडी, डैडी के पीछे मम्मी। बाप रे, कितनी बड़ी दुकान है। नोट गिनने के लिए भी मशीन है। ये लीजिए। ये अच्छा है पिताजी, आपको अच्छा लग रहा है? तुम्हें अच्छी लगी तो ठीक है। हाँ, मुझे जो पसंद है। आप आ जाइए। तुम्हारी माँ इतने गहने खरीद रही है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं क्या? मुझे नहीं चाहिए, मेरी मम्मी के पापा बहुत अमीर है, मेरे पापा गरीब है। किसने कहा? मुझे प्रमोशन मिला और मेरे पास बहुत पैसे है। जो चाहिए मांगो, लेकिन कम मांगना। पायल कहाँ मिलेगी? वो सामने की तरफ। मेरे पास 100 रुपए हैं, इसमें पायल मिलेगी क्या? पायल 150 की है। ये कैसी है पिताजी? अच्छी है, अच्छी है। यहाँ तो सब सोना ही सोना है। पांडियन शनमुखी। हाँ शनमुखी, जरा रुकना। अब ठीक है, तुम्हारा मेकअप फर्स्ट क्लास। अब जाना। सुनो, तुम्हारे पास 50 रुपए हैं? किस लिए? वो मीनाक्षी की माँ कामाक्षी है ना, उसने पायल लेने के लिए मुझे 150 रुपए दिए। इस दुकान आने से पहले मेरी दुकान आ गई, 50 की मार दी, अभी कम पड़ गए हैं, दो मुझे। अभी मैं नहीं दे सकता। ए झूठ मत बोलो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ पिताजी? रुको, मैं अभी आया। मैंने इंटरव्यू के अंदर रखे हैं, निकाल। मैं निकालता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? एक औरत के साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है क्या? ये कौन है आप जानना चाहेंगे? हाँ। वो ये मेरा नाम। हाँ, बताओ बताओ। मैंने आपको बताया था ना, ये तीर्थयात्रा से वापस आ गए। तो ये अभी यहाँ क्यों आया? अपनी मीनाक्षी की माँ सुबह सुबह चढ़ा के रखी। ये मुदलियार इतना बड़ा भेवड़ा क्यों है? वो मुदलियार इतना बड़ा भेवड़ा, वो इस जोसेफ से भी बड़ा बेवड़ा हो सकता है क्या? क्या कहा जोसेफ? आपने क्या अपनी याददाश्त को आप भूल गए क्या? मुदलियार शराब पीने के लिए मजा बदल लिया आपने। देखो 50 रुपए दो, तुम जो चाहोगे मैं बदल जाऊंगा। मैं भाई आपके अंदर, आपके पास 50 रुपए हो तो इन्हें दे दीजिए, चले जाइए। 50 मांगा तो 500 का नोट मिल गया। तुम्हारी इतनी चलती है क्या? ये आपकी बीवी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, चलिए जाइए। बीवी? ओहो, तो मैं चलता हूँ। 150 रुपए की पायल क्यों? मेरे पास 500 रुपए हैं। ये देखो, एक हाथी के साइज की पायल पैक करो, उसे 10 नंबर की दुकान पर भेज दो, थोड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए। चीयर्स। भैया आपने बादशाह से 1 लाख रुपए मंगवाया था, आप मुझे फोन पर कह देते, वैसे भी वो गूंगा है। 1 लाख एक ही पेपर में लिखने के बजाय वो 1 रुपया 1 लाख पेपर में लिखने लगा, यह मैं उसे छीन कर ले आया। अरे ये सर, सर के लिए है ये। आप कोई नई कंपनी शुरू करने वाले हैं? मेरी कंपनी से रिश्ता तोड़ने वाले हैं। रिश्ता? तुम चुप रहो, ये इन्हें दे दो, इसमें 1 लाख रुपए हैं। 50 रुपए के हिसाब से 2000 क्वार्टर मिलेंगे। इसके बदले तुम शनमुखी को भूल जाओ। क्वार्टर खत्म होने के बाद फिर मुझे उसकी याद आएगी।
उस वक्त तुम्हें सिर्फ मेरी याद आनी चाहिए, षणमुखी की बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो सीधा मेरे पास आना, उसके पास नहीं। अब बात भी मत करना। मेरा मुंह लड़खड़ाएगा लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। अभी इसी वक्त से मैं षणमुखी का पति नहीं हूँ। क्या कहा? मैं इसके सर की कसम खाता हूँ। तो इसके लिए मैं गवाह हूँ क्या? भैया आप गलत कर रहे हैं, ये षणमुखी का पति नहीं है। मैं षणमुखी का पति नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, ये षणमुखी का पति नहीं है। अरे वो भी तो यही कह रहे हैं कि वो षणमुखी के पति नहीं है। इस घर में खाना बनाने वाला गूंगा है और आपका सेक्रेटरी बहरा है। बहरा कौन है? तुम बहरे हो। तुमने अपने सुनने की मशीन कान में नहीं पॉकेट में लगा रखी है। तुम ही अंधे हो। ये सुनने की मशीन है, ये मोबाइल फोन है। जो भी हो, आपने मुझे बुलाया। आओ षणमुखी, पहचानो तो जरा कौन है। ये जरा सर उठाएंगे तो बता सकती हूँ कौन है। ए, अपना सर उठाओ ना। मुझे माफ कर दो, ये क्यों आए? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, मुदलियार को आना चाहिए था, फिर ये क्यों आए? जरा चुप रहो ना। षणमुखी मैंने ही तुम्हारे पति को यहाँ बुलाया। मुदलियार को आना चाहिए था ना, फिर ये क्यों आए? ये भी कोई सब शूट है क्या? आप जरा चुप रहेंगे। ये मेरे पति है, आपने भी यही बताया ना। तब मुदलियार मेरा पति है। जोसफ मुदलियार, दो दो पति, क्या सुन रहा हो भैया? मैंने आपसे क्या कहा? एक्सक्यूज मी मिस्टर सेतुराम, आप जोश में मत आइए। अभी जोसफ, इसके पहले मुदलियार और शुरुआत में चलप्पा। ये चलप्पा कौन है? आप भी ना शराब पीकर सब भूल जाते हैं। अभी चलप्पा को भूल गए, इसके बाद मुदलियार को भी भूल जाएंगे। मुझे सब याद है, मैंने शराब नहीं पी है। ये मुदलियार नहीं है, कन्वर्ट होने से नाम बदलता है, चेहरा नहीं बदलता है। ये देखिए, अब से किसने कहा कि मुदलियार मेरा पति है? बताइए किसने? पांडियन ने। मैं पांड्या नहीं हूँ, मैं षणमुखी हूँ। मेरा पति कौन है मुझे बताना चाहिए ना। शाबाश शाबाश षणमुखी, वेल सेड वेल सेड। भैया भैया बहुत कंफ्यूजन है, हम शुरू से आते हैं। जोसफ मुदलियार सेलप्पा। बाहर जाओ तुम। सेलप्पा अभी तो सिर्फ बाहर जाने को कह रहा हूँ, ज्यादा बोलोगे तो घर के बाहर कर दूंगा, चलो जाओ। जोसफ मुदलियार और हाल ही में बोला ना, बाहर जाओ। ठीक है ठीक है, जाता हूँ। अभी आप बताइए, जरा संभाल के, ये यहाँ पर क्यों आए? वही तो, अब मैं आप दोनों के बीच में क्यों रहूं? मुझे ये चाहिए और भी चाहिए। सन्मुखी, इस बेवड़े से शादी करके तुमने बहुत दुख झेला है। मैं एक टूटी हुई सुई हूँ, बिना हवा का बलून हूँ, कटी हुई पतंग हूँ, नाचना जानने वाला कलाबाज हूँ। साहब तुम पहले इसका हाथ पकड़ो, कस के पकड़ो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप जानते नहीं है। मैं कुछ नया बोलने वाला नहीं हूँ। मैं आज अपनी दोनों आंखें आपको सौंप रहा हूँ। इन आंखों में खुशी के आंसू के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। भाई षणमुखी, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट करूंगा, बट द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या हुआ षणमुखी? क्या हुआ बादशाह, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बहुत मुश्किल है, फैसला नहीं हो पा रहा है। बताओ क्या करना है? तुम आइडिया बताने वाले हो क्या? है तुम तो तुम्हें मुझे हाँ क्या है? तीन बार ओ तेल तेल कह रहे हो? तेल तेल का क्या करूं मैं? अच्छा जमीन में बहा दूं तो उससे क्या होगा? षणमुखी गिर जाएगी फिर तो। ओ अच्छा, मैं उसे उठा कर लाऊं। अरे वाह, ये आइडिया तो वाकई बहुत ही अच्छा है। अब क्या रुकने को कह रहे हो? मैं षणमुखी, ये मैं षणमुखी जी आ रही हूं। आपको पिताजी बुला रहे हैं, जल्दी करिए। अरे बाप रे, बाप रे,
भाई क्या देख रहे हैं, आइए। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है चाची। थोड़ा बर्दाश्त करो बेटी। कुछ नहीं है, बस लाइट है। भारती दिमाग मत खाओ मेरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लाइट डालनी है। दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ रेड लाइट एरिया पर। क्या ऐसा मत बोली, जरा आप चुप रहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए। ठीक है, जाते हैं। चाची, चाची रुको, आंटी के लिए जो आपने दवाई दी थी ना, मुझे भी वही दवाई चाहिए। तुम्हें भी वहाँ से निकले हैं? नहीं, दाग हुए हैं वहाँ से तो, लेकिन दाग नहीं दिख रही है। वो यहाँ है, जरा वहाँ ये दिखाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ लाइट दिखा रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं दवाई भेज दूंगी। तो आप नहीं देखेंगी? अरे नहीं देखूंगी मतलब, ये कोई रिलीज हुई नई फिल्म है क्या? मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं दवाई भेज दूंगी। ठीक है, भेज दीजिए, ठीक होने के बाद दिखा दूंगी। अब चाची मुझे भी दिखाना है, मुझे भी एक दाग है यहाँ। फसल हो गई। क्या फसल मतलब? अरे टीवी में कृषि दर्शन का प्रोग्राम है। जब देखो खींची करके हंसती रहती है। अरे बाप रे, मुझसे चला नहीं जाएगा। मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं। उठा पाएंगे आप? चाची मुश्किल होगी। नहीं, मुझे मजा आ रहा है, तुम बहुत ही हल्की हो। मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ ना, सॉरी चाची। चेची, यू वेलकम, एनी टाइम। तुम जब भी उठाने के लिए बोलोगे मैं उठाऊंगी। चाची। चाची ये जरा ले लीजिए। चलिए मैं टीवी ऑफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। एक घंटा रहेगा टीवी? नहीं, एक घंटा नहीं रहेगा चाची। नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारा वो टीवी पर। मैंने कहा ना, रहने दीजिए चाची। थैंक्स मिस्टर पांडियन, आज इस प्रोग्राम में हमारी चैनल की तरफ से मैं आपको डांस डायरेक्टर मिस्टर पांडियन से रूबरू करवाऊंगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मिस्टर पांडियन। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है मिस्टर पांडियन, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। मैं बाहर चली जाऊं? नहीं, यहीं रुकिए, इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है। देखिए, अगर मैंने दर्शकों को बताई तो वो पब्लिक लाइफ हो जाएगी ना। नहीं नहीं, दर्शक ये जानना चाहते हैं सर। मेरी दूसरी तरफ मेरी पीठ है। तो चलिए एक सीरियस सवाल पूछते हैं, क्या आपकी शादी हो चुकी है मिस्टर पांडियन? हाँ हो गई। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। ओ, मतलब हम दो, हमारे दो। कितने बड़े हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? दूसरी बच्ची की उम्र 6 साल की है, वो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और पहली बच्ची 27 साल। क्या 27 साल की है? सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, फैमिली के दो बच्चों के बीच में 4 से 6 साल का गैप हो सकता है। आप कह रहे हैं कि 27 साल की लड़की है? जिसे मैंने पहली बच्ची कहा, दरअसल वो मेरी पत्नी। ओह, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी वाइफ छोटे बच्चों की तरह जिद करती है? हाँ, मेरी वाइफ बच्चों की तरह जिद्दी है, उसने डिवोर्स मांगा तो मुझे देना पड़ा। सॉरी सर। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप अपनी पत्नी से अलग होकर ऐसे? मेरे हिसाब से मैं अभी तक उससे अलग नहीं हुआ, उसके साथ ही हूँ, लेकिन वो ये समझ नहीं पाएगी। कानून की वजह से, मैं कोर्ट के बारे में कह रहा हूँ, कानून शादी को अलग कर सकता है लेकिन प्यार को अलग नहीं कर सकता है। मिस्टर पांडे, यू स्टिल लव योर वाइफ? यस। देखो इस तरह रोया नहीं करते। मुझे मत रोकिए चाची, मेरी किस्मत ही खराब है, किसी की बुरी नजर लग गई। मेरे साथ ये सब क्यों होता है चाची? सिर्फ तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ, उसके साथ भी तो, सॉरी उन्हें भी तो वो। नहीं चाची, मेरा नसीब ही खराब है, छोड़िए। जानकी, मैं अपने लिए रो रही हूँ, उसके लिए नहीं। जानकी, अब सब खत्म करो, मम्मी को बता दो कि आप ही डैडी हो, बेचारी मम्मी इज मेल्टिंग।
मम्मी मेल्ट होते होते कब टिल्ट हो जाएगी बता नहीं सकते, उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद होगी इसलिए रो रही, लेकिन एक बार भी उसने नहीं कहा कि पांडियन के साथ एक बार फिर से वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। ओह, ये तो करेक्ट पॉइंट है, मैंने जल्दबाजी कर दी, सॉरी डैडी, सॉरी शनमुखी चाची। थैंक यू। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। सुबह सुबह ये माली कहाँ चला गया है? भैया आज मैंने एक अजीब सी बात देखी। क्या हुआ, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया क्या? भैया आप साधारण आदमी नहीं है, आप ज्ञानी है, आपको कैसे पता चला? अरे तुम बेवकूफ हो, ये सिंपल लॉजिक है। चेलपा मुदलियार बन गया, मुदलियार जोसेफ बन के क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं बन सकता क्या? इसमें कौन सी आश्चर्य की बात? अरे भैया आप फिर से वही गेम खेलने वापस आते हैं। मैं वो नहीं कह रहा था, अपना वो जो शनमुगम है ना भाषा, वो एक भाई है। मैंने कब कहा कि वो बॉय नहीं है, गर्ल है? मैंने गर्ल बॉय नहीं बोला, वो मुस्लिम भाई है। अरे वो षणमुगम है, मुस्लिम कैसे हो सकता है? मुस्लिम षणमुगम हो सकता अरे है? अरे क्या बकवास कर रहे हो? भैया वो साधारण मुस्लिम नहीं है, मुंह से बात करने वाला मुस्लिम है। भैया आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बोलिए, मैं साबित कर दूंगा। अंदर से थोड़ा तेल लेकर आइए और नीचे गिराइए, फिर आप बादशाह को बुलाइए, वो भाग कर आएगा, फिसल कर नीचे गिरेगा और अनजाने में वो अल्लाह चिल्लाएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें ये तेल गिराने का खेल कैसे पता है? अरे ये कितनी सारी फिल्मों में दिखाया जाता है। भैया देखिए वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पूरा बोला, देखा ना अल्लाह बोल दिया। इतने दिनों से तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुस्लिम हो? माफ कीजिए मालिक, मैं मानता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सच में गूंगा हूँ। छी, तुम गूंगा हो? किसने ना बोला? देखा कबूल कर लिया, इस गूंगे को झूठ बोलना भी नहीं आता। भैया ये सब का कारण, आइए जानती है यहाँ क्या हो रहा है? जानती हूँ, बादशाह मुस्लिम है और गूंगा नहीं है, बस इतने ही। क्या इतना ही ना? आप जरा चुप रहेंगे, आप मेरे साथ आइए। अरे नहीं भैया, आप अंदर मत जाइए, जो बात करनी है यही कीजिए, नहीं तो हटो। गए षणमुखी, बिना कारण के तुम कोई काम नहीं करोगे, बादशाह को तुम इस घर में क्यों लेकर आई बताओ? कारण बस एक ही, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। जहाँ काम करता था वहां से काम छूट गया उसका, इसलिए मैं यहाँ लाई और यहाँ आपके घर नौकरी पर लगवा दिया। वो नॉनवेज होटल में काम करता था। बाप रे, वहाँ वो जानवरों को काट के खाना बनाते हैं और वो हमारे किचन में। हे भगवान। मैं जो कह रही हूँ आप उसका बुरा मत मानिए, आप में और इस बादशाह में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो जानवर काटता है सिर्फ खाने के लिए, और आप भी तो जानवर काट कर उनकी चमड़ी से शूज और पर्स एक्सपोर्ट करते हैं ना। अगर और कहूँ तो वो जितने जानवर काटता है उससे कहीं ज्यादा जानवर आप कटवाते हैं, सही है ना? षणमुखी वो बिजनेस है। उसके लिए भी ये बिजनेस ही है, एटलीस्ट वो जानवर काट कर हमारे खाने के लिए तो देता है, और आप उससे जूते बनाकर विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, और उससे आपने जो पैसा कमाया उसी से आपने ये घर बनाया, और इस घर में एक पूजा का कमरा भी है। लेकिन उसे देखिए जरा, पिछले 6 महीने से पुराना काम छोड़ दिया और वेजिटेरियन हो गया, और वो भी आपके लिए। लेकिन आपके बिजनेस के लिए तो जानवर अब भी काटे जा रहे हैं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बादशाह मुस्लिम है। बस उतना ही नहीं, हमने उसे गूंगा समझा था ना, वो गूंगा नहीं है, बात करता है। इन्हें तुम्हारी आवाज सुनी है, थोड़ी बात करो। मैं क्या बोलूं, शर्मुगी चाची नहीं। बस बस, मैंने भाषण देने के लिए नहीं कहा। बाप रे, पिताजी देखा आपने, ये सब चाची नहीं किया है। आइए, आपने झूठ क्यों बोला चाची? मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने सच भी नहीं बताया। इस तरह बात करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप। देखिए आपने क्यों झूठ बोला, बिना झूठ बोले सच बोलिए। शट अप। हाँ, दैट्स नॉट योर बिजनेस। क्या कह रहे हैं पिताजी, एक मुसलमान हमारे यहाँ खाना बना रहा है, हमारी पवित्रता कहीं ना, हमारे धर्म का क्या? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई चाची? चुप। तुम भी तो उस पांडियन के साथ 6 साल पारिवारिक जिंदगी जी रही थी, तब तुम्हारी पवित्रता कहाँ चली गई? बच्ची को मत डांटिए। बस कीजिए चाची, मेरी तरफ से मत बोलिए, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, पिताजी की बच्ची हूँ, मैं अपने पिताजी से बात कर रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। शट अप। जानकी, तुम्हें बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, अगर इज्जत नहीं दे सकती तो इस घर से चली जाओ तुम। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, क्या ये मेरा घर नहीं है, मेरा इस पर कोई हक नहीं? नहीं, तुम अपना घर छोड़ कर यहाँ आई हो, ये मेरा घर है, रेजिडेंस ऑफ मिस्टर विश्वनाथ अय्यर, जाओ अंदर जाओ। बेटी, चाची जरा आप हटेंगी, तुम भी जाओ। तुम लोग भी जाओ।
ए, तुम थैली लेकर बाहर कहाँ जा रहे हो? बोल सकते हो ना तो बात करो। मैं घर जा रहा हूँ मालिक। छी, अंदर जाओ और जैसे पहले खाना बनाते थे बनाओ, चलो जाओ। लेकिन तुम्हें यही रहना है और वेजिटेरियन खाना ही बनाना है। मालिक मैं क्या बोलूँ मालिक, ऊपर वाले भगवान आप ही हैं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। बस बस बस, उठो उठो, उठ जाओ उठ जाओ, अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। शनमुखी तो बस ना? नहीं अभी बस नहीं, आपको और भी बदलना होगा। अब क्या करना है? आपने अपनी बेटी से कह दिया कि ये घर उसका नहीं है, अब उसको अपने घर जाने के लिए आपको ही रास्ता बताना होगा। 65 साल की उम्र में आपको पत्नी चाहिए और आपकी बेटी अकेली, ये बात आप देख नहीं पाए विश्वनाथ जी? अगर जानकी की माँ जिंदा होती तो ये सवाल मुझे पूछना नहीं पड़ता। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, आपको सलाह दे रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर। चिल्मा, मैं सोच रहा हूँ कि अपने दामाद को खुद जाकर घर लेकर आ जाऊं, तुम क्या कहती हो? बोलो ना चिल्मा। चिल्मा ने जवाब दे दिया, षणमुखी चिल्मा मान गई। मैं चलता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पूछना चाहिए। तुम जरूर पूछ सकती हो, मैं दामाद को वापस लेने जा रहा हूँ। पांडियन अभी घर पर नहीं होगा। क्यों? शायद वो शूटिंग वूटिंग के लिए कहेंगे। उसे कहीं भी रहने दो, मैंने फैसला कर लिया तो मैं उसे घर लेकर ही आऊंगा। ठीक है, मैं भी अपने घर जाती हूँ। तुम कैसे जा सकती हो? मैंने अभी अभी बेटी को डांटा, वो कुछ गलत कर बैठे तो मेरे वापस आने तक तुम उसके साथ ही रहना और कहीं जाना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा, उसका ध्यान रखना। मैं वो नहीं नहीं एक बूंद को जानते हैं मगर समुद्र को नहीं। शनमुखी के अनगिनत पति हैं और यह जानकारी सिर्फ एक बूंद की तरह है, फिर भी वो बात नहीं समझ रहे हैं। सेतु अंकल, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आता है वो कहता है कि मैं शनमुखी का पति हूँ। शनमुखी के बारे में कोई गलत बात मत कीजिए। मैं क्यों गलत बात करूंगा, उसे हजारों पति रखने दो, और उन हजारों में तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं हो सकते? आ रहा हूँ। सर सर, ये पांडियन है ना? पांडियन के बारे में बात करेंगे, फोन बज रहा है। अरे सर, मुझे उनसे तुरंत मिलना है। मैंने कहा ना पांडियन नहीं है, फोन बज रहा है। अरे मैं उसका ससुर हूँ, बताइए ना। ससुर है तो पांडियन नहीं है तो क्या बोल दूँ, पांडियन है। फोन अगर मैंने नहीं उठाया ना तो वो मुझे बजा डालेगा। लेकिन मेरा उनसे मिलना जरूरी है। हेलो हेलो, मैं पांडियन बोल रहा हूँ। ओहो, कितनी बार बोलूँ कि पांडियन नहीं है। हेलो मुदलियार, मैं पांडियन टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो, अच्छा वो उधर है क्या? हेलो पांडियन इधर है। हेलो मदलियार, मेरा ससुर उधर आएगा, वो पागल है। हाँ? उसे बैठा कर बात मत करना, काम बिगड़ जाएगा। हाँ? उसे कह देना कि मैं नहीं हूँ। दामाद जी? क्या मदलियार, आप भी मुझे दामाद जी कह रहे हैं? मैं विश्वनाथ अय्यर बात कर रहा हूँ। वो आप हैं, क्या बात करूँ और कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप हैं मदलियार, समझ कर मैंने आपको पागल भी कह दिया। नहीं नहीं दामाद जी, इतने दिनों से सच में मैं पागल ही तो था। ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूँ, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। इस टेलीफोन को आपका पैर समझकर ही मैं। अरे ससुर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? जानकी को आप किसी भी तरह से माफ कीजिए और उसे फिर से अपना लीजिए। मैं उसके बारे में ही बात करने आपके पास आया था। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपने घर से। अपने घर से क्या मतलब? मेरा मतलब अपने घर से नाम की एक फिल्म है, उसी के सेट पर हूँ, ब्राह्मण सब्जेक्ट है, उसमें डांस करके मैं थोड़ा ऐसा बोल गया। देखिए मैं बदला हूँ और मुझे लग रहा है कहीं आप ना बदल गए हो। आप बिल्कुल मत बदलना। नहीं नहीं, मैं उतनी जल्दी नहीं बदल सकता, मैं तो एक लक्ष्य के साथ जी रहा हूँ ससुर जी। मेरे इस बदलाव का कारण कौन है आपने ये मुझसे नहीं पूछा है? एक औरत है। जानता हूँ। कैसे? वो आप ही ने तो अभी बताया। उसका नाम षणमुखी है। हे, आप भी षणमुखी को जानते हो? आप भी षणमुखी को जानते हैं? षणमुखी को आप जानते हैं? आप भी षणमुखी को जानते हैं? वो जब मैं जानकी से अलग रहता था तब वो मेरे लिए रोज खाना बनाती थी, इवनिंग 6 to 9। उसी तरह मेरी बेटी जानकी को षणमुखी ही संभालती थी, मॉर्निंग 9 to 5। ये बताइए षणमुखी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो आपके घर में काम करती है? वो बात ये है कि षणमुखी चाची एक के बारे में दूसरे को कभी नहीं बताती, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। नहीं दामाद जी, षणमुखी अब आपके लिए सास के जैसी है। तब उसका पति? मैंने उसे खरीद लिया। आपने उसे खरीद लिया? क्रॉस टॉक में मुदलियार है। कैसा क्रॉस टॉक? इट इज माई फोन। ससुर जी, आप उस मुदलियार को फोन मत दीजिए, वो बहुत बड़ा घनचक्कर है। हे पांडिया। ससुर जी, क्या हुआ, अचानक आपकी आवाज क्यों बदल गई? अरे छी, मैं मुदलियार बोल रहा हूँ। ओ मुदलियार, आप अपनी आवाज बिना बदले ही बात कर रहे हैं। अरे ये कह रहा है षणमुखी को इसने खरीद लिया है, मुझे पता नहीं था, अगर होता तो मैं खरीद लेता ना। वो सब आपसे नहीं होगा मुदलियार, वो बहुत महंगी है, फोन जरा मेरे ससुर जी को दीजिए। अच्छा, आपने कितने में खरीदा? ब्लैक में खरीदा। हाँ बोलिए दामाद जी। ससुर जी,
आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, मैं आकर जानकी को ले जाऊंगा। हाँ ससुर जी, नमस्ते। हाँ रखिए ससुर जी। हाँ ससुर जी, वहाँ केरोसिन की स्मेल आ रही, यहाँ आ रही है। क्या हुआ भाई, पूरी तरह से भीग कर आ रहे हो? ये तो केरोसिन है। नहीं, मिट्टी का तेल है, खुद को आग लगाने वाला हूँ। क्या कर रहे हो? क्यों नहीं, तुमने उस अय्यर को धोखा दिया ना, इसलिए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, पता है अय्यर तुमसे कितना प्यार करते हैं, शराफत से उनके साथ निकाह कर लो। मैं निकाह विकाह नहीं कर सकती, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अय्यर की भी तो शादी हो चुकी है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो लोग शादी करते हैं, तो शादीशुदा शादी करे तो क्या गलत है, यही तो लॉजिक है। ओहो बकवास मत करो, मेरा ऑलरेडी एक पति है। अरे वो शराबी तो पैसे लेकर भाग गया, उससे अच्छे अय्यर साहब है। ओ, ऐसे क्यों कहते हो? हाँ, अय्यर की बराबरी का कोई नहीं है, अय्यर सबसे अच्छे हैं। देखो वो भी अच्छे और मैं भी अच्छा हूँ। हाँ दोनों अच्छे लोग जोड़ी बना लो, अब निकाह कर लो। ए, अरे यार मैं पांडियन हूँ। आवाज बदलोगी तो समझती हो मुझे धोखा दे दोगी। अबे मैं तेरा दोस्त पांडियन हूँ। हाँ बाद में कहोगी विश्वनाथ अय्यर हो। मैंने जलाया ही नहीं। अरे बाप रे चाची, ये क्या कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे नहीं नहीं, मुझे परेशान मत करो चाची। अल्लाह ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे मेरी इज्जत मत लो। क्या बात है बॉस, क्या बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सुपर बॉस सुपर। अरे मेरी चाची, वावा चाची, क्या बात है, क्या बात है, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? हाय 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 हाय, ये तो कमाल कर दिया बॉस। चीची मैंने कभी किसी औरत को ऐसा करते नहीं देखा, अब तो मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जानकी ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा क्यों करोगी? मैं मरने जा रही हूँ। अरे इस तरह की अपशगुन बातें क्यों कर रही हो बेटी? मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी है, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, पिताजी से कह दीजिएगा अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन जिसके साथ तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, दोबारा उसके साथ तुम कैसे? डिवोर्स हुआ तो क्या हो गया, डिवोर्स होने के बाद भी वो मुझे भूले नहीं है, इस उम्र में चाची ऐसी हरकतें करती है, और मेरे पति मेरी याद में एक पवित्र जीवन जी रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब कभी नहीं आऊंगी। बेटी सुनिए, भारतीय स्कूल से आए तो उसे मेरे घर भेज दीजिएगा, पिताजी के पास मत रखिएगा उसे, कह दिया मैंने। जानकी अरे मेरी बात तो सुनो बेटी, जानकी जल्दबाजी में फैसला ले रही हो तुम, लेकिन अच्छा फैसला है, अब मैं भी यहाँ बहुत मजे कर सकता हूँ। बहुत मजा आया आज तो। लो, लो, लो। अरे तुमने हाथ क्यों हटा लिया, और पकड़ो, कस के पकड़ो, मैं वो गंदी हरकत देख चुका हूँ, विश्वनाथ जी को चाची से प्यार है और चाची को नौकर से प्यार है, अब देखना तुम्हें यहाँ से मैं कैसे निकलवाता हूँ, जानकी को भी मैंने घर से भगा दिया। जानकी को घर से भगा दिया, अब वो यहाँ नहीं आएगी, पांडियन के पास चली गई। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रही हैं? विश्वनाथ जी से कहकर पहले तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा, उसके बाद ही तुम जाओगी। अभी नहीं जा सकती। अरे तुम कैसी औरत हो, एक आदमी को मारती हो। भाई बाकी का तुम देखकर फिनिश कर देना। तुम जाओ चाची, मैं देख लेता हूँ। चाबी लेते वक्त मुझे पता चला कि कोई आया है, तो तुम हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानती, लेकिन तुम कौन हो मैं जानती हूँ, मैं पांडियन के साथ डांस करती हूँ। ये कपड़े तुम्हारे हैं? तुमसे पूछ रही हूँ। ये सब मेरे नहीं हैं, उनके हैं। उनके मतलब? शनमुखी। शनमुखी? हाँ वो रोज रात को आती है। क्या कहा, वो रोज रात को यहाँ आती है? हे भगवान, मैं नहीं जानती, पांडे ने ही कहा था कि वो रोज रात को आती है और मैं दिन में आती हूँ। क्या, तुम दिन में और शनमुखी रात में? ये क्या है, शनमुखी का आना जाना आप मुझसे पूछ रही हैं? शनमुखी को पांडे ने रखा है? मेरा मतलब खाना बनाने के लिए। आप बिल्कुल गलत मत समझिए। खाना बनाने वाली के कपड़े इस तरह पड़े नहीं रहते, वो कपड़े उतार कर खाना बनाती है, बेशर्म। देखिए आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझी, हर तरफ गलती है, सब कुछ गलत हो रहा है, मैं ये सब कुछ देर से समझी, मैं सोच कर आई थी कि पति के साथ सब कुछ ठीक कर दूंगी, पति
हाँ, अगर वो आएंगे तो मैं उसे क्या कहूँगी? कह देना मैं चली गई, हमेशा के लिए चली गई। देखिए आपको ये गलत कदम मत उठाइएगा, पांडियन को आने दीजिए। पांडियन हाँ? चलो ऊपर ऊपर चलो, पांडियन को आने दो। सुनिए आने से क्या हो सकता है, रुकिए खत्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज जानके जानके पांडियन पांडियन जानकी कहाँ है? पांडियन कहाँ है? वो चले गए, मैंने अभी उसकी आवाज सुनी। मैंने ही उनको जाने के लिए कहा, जानकी कहाँ है? वो भी आकर चली गई। कहाँ गई? खुदकुशी करने। हाँ लेकिन क्यों? जान देने के लिए। ओ ओ सॉरी, उन्हें ऐसा लगा कि आपके और पांडियन के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। अरे अरे तो इसमें गलत क्या है, उसी चक्कर का सच बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तेरी तो जानकी जी ने कहा वो सही कहा, तुम्हारी मटक मटकती चाल से मुझे पता चला। पांडियन अब उनका भी नहीं और मेरा भी नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लोग रुको, क्या हुआ? तुम रुक जाओ, तुम्हारा और पांडियन का क्या चक्कर चल रहा है बताओ? अरे वो एक बहुत लंबी कथा है, मेरा हाथ छोड़ो। ए रुको चाची, रुको। कितनी तेज भागती हो तुम। ए रुको चाची। बिना जाने कुछ भी मत बोलो। बहुत आवाज निकालती हूँ पर अब एक आवाज मत निकालो, मैं जा रही हूँ। hey, रुको, देखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं देखना है। नहीं चाची नहीं। देखो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया चाची? मैं चाची नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पांडियन हूँ। अरे बाप रे, तुम तो वही हो। वही उंगलियाँ। अरे मेरे पति देव, ये सब क्या किया, मैं तो पहचान ही नहीं पाई, मुझे माफ कर देना प्लीज। फिर पानी के अंदर क्यों लेते हो? अरे पैर छूना है तो मैं ऊपर ले आता हूँ ना, तुम पानी के अंदर क्यों जा रही हो? मुझे माफ कर देना पांडियन, अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर यहाँ ज्यादा देर रहे तो हमें सर्दी लग जाएगी। ये क्या पांडियन, मजाक कर रहे हो? चलिए पिताजी के पास चलकर उन्हें सब सच बता देते हैं। अभी तो वो मुझसे माफी मांगने की स्टेज पर आए हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं शनमुखी के बेस में उन्हें धोखा दे रहा तो नाराज हो जाएंगे, शनमुखी को मार देते। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? अरे मैं पांडियन के मरने की बात नहीं कह रहा हूँ। शनमुखी तुम्हें बचाते समय कमर जितने गहरे पानी में डूब के मर गई और पानी में बह गई। पानी में नहीं, नदी में। अरे एक ही बात है ना। हाँ वो तो ठीक है, पर बॉडी का क्या? उसके कपड़े है ना, कहते हैं बॉडी नहीं मिली। जानकी, चल्लम्मा ने तुम्हें जन्म दिया लेकिन शनमुखी ने तुम्हें एक नया जन्म दिया। पुण्यवती थी, जिस काम के लिए आई थी वो खत्म करके ही गई। शनमुखी अपने पति की नहीं रही, तुम्हें प्यार करने वाले अय्यर की नहीं रही, तुम मेरी भी नहीं बनी शनमुखी। हर साल श्राद्ध में मुझे बुलाएंगे ना। क्या आप सब लोग शनमुखी शनमुखी कहकर रो रहे हो? शनमुखी कहीं नहीं गई है, वो यही है। अगर मैं चाहूं तो ला सकता हूं। अरे बाप रे, इन्होंने जो कहा उसे आप पूरी तरह समझ नहीं पाए। ओके, इनका मतलब था कि शनमुखी कहीं नहीं गई, वो हमारे दिलों में बसी है। इनके कहने का यही मतलब था। उस तरफ वाली बात नहीं जानते, इस तरफ वाले वो बात नहीं जानते। आपने जो कहा उसका फुल मतलब वही है, सही कहा ना? फूल है ना पक्का। क्या मम्मी जब देखो तब खी खी करके हंसती रहती हो। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं।